नमस्कार। इस मोड़ पे आते हैं कि आज के इस एपिसोड में पूरे 1000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर रखने वाले पूरी 20 इंडस्ट्रीज के मालिक, कपड़ों से लेके पॉलीमर तक और पेट्रोलियम से लेके हैंडमेड पेपर तक जिनका कारोबार फैला हुआ है, लेकिन जिन्होंने जिंदगी के सिर्फ 27 साल पूरे किए हैं, वो मिस्टर मिहिर शांडिल्य आज हमारे बीच में है। मिस्टर मिहिर शांडिल्य। हाय। हाय तारा। हाय मिहिर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिहिर इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, तो आइए आज इनसे पूछते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में, इनकी लव लाइफ के बारे में। पता नहीं तारा, लोग दूसरों की निजी जिंदगी में इतना इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं, हैंडसम बैचलर हैं, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स पेज थ्री विक्टिम भी हैं। पेज थ्री विक्टिम। शायद इसीलिए मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि ये मैरिज भला क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। नथिंग एक्साइटिंग रियली। तो आपके लिए एक्साइटिंग क्या है? एक ऐसी लड़की जो इन ट्रेडिशनल वेज ऑफ मैरिज से दूर अपनी पहचान लेकर अपने ही मस्ती में झूमे। ओह सो देयर इज समवन। आई मीन कौन है वो? आई मीन कोई बड़ा खानदान, एनआरआई, बॉलीवुड? कम ऑन मिहिर, हु इज शी? इन सब सवालों के जवाब के लिए तारा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ कहूंगा तो बस इतना कि मैंने किसी से पहली बार प्यार किया है, और जितना मैं उसे जानता हूं उससे यही लगता है कि मेरे मन का बन फूल तो वही है। वो किसी खुले आसमान की तरह है, झरने की तरह ट्रांसपेरेंट, किसी वाइल्ड लॉकेट बन फूल की तरह फियर्सली इंडिपेंडेंट। उसे पाना मानो नेचर से भरे किसी आइलैंड को पाने जैसा है, जो इस धरती का अंग तो है फिर भी सभी सीमाओं से जुदा। Well, I mean, she's a real mystery woman, huh? But we respect your mystery woman. पर बहुत जल्द उन्हें आपके साथ इस शो में मिलने की तमन्ना जरूर रखते हैं। Sure. Thanks a lot for your precious time. Thank you, Tara. ये लो, keep the change. Excuse me, Tara Agarwal hai. Tara Agarwal? Sorry madam, I don't think so she will be in the office. To kahan honge? Must be in studio. Aur studio kahan hai? Kya baat hai bhai? Sir, Tara is there? Haan, apne cabin mein. Okay. Thank you. Kaun hai? I don't know sir. Ek minute madam. Dekhiye, abhi aap unse nahi mil sakti. Main unse abhi milna chahti hu. Aapke paas appointment hai? Ji nahi. To aapko appointment leni chahiye. To de dijiye. Dekhiye madam, appointment koi handbill nahi hai ki hum use haathon haath baantte hain. आपको उनसे मिलने के लिए कम से कम एक हफ्ता लगेगा। मैं एक सेकंड नहीं रुक सकती। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी जल्दी क्या आपको? क्या क्या काम है आपका बताइए। मैं उन्हें इंटरव्यू देना चाहती हूँ। इंटरव्यू क्यों भला, आर यू ओके? मैं पूरे होशो हवास में रहकर कह रही हूँ कि तारा अग्रवाल मेरा इंटरव्यू ले, और वो भी जल्द से जल्द। क्यों, क्या समझते हैं आप अपने आप को, ऐश्वर्या राय, शोभा डे, किरण बेदी या मिस इंडिया? मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, फिर भी तारा अग्रवाल मेरा इंटरव्यू ले, क्योंकि मेरा नाम जूली है। मैं एक कॉल गर्ल हूँ, अ प्रोस्टिट्यूट बाय प्रोफेशन, एक पेशेवर धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली, धंधे वाली। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, होगी तुम कोई कॉल गर्ल, पेशेवर धंधे वाली, लेकिन मेरा प्रोग्राम प्रोफेशन नहीं पर्सनैलिटी प्रमोट करता है, और पर्सनैलिटी भी ऐसी जो कुछ मायने रखती हो, शोहरत से, काबिलियत से। डू यू अंडरस्टैंड? मैं इन सबसे आगे हूं, खासकर तुम्हारे लिए। मैं मिहिर शांडिल्य की लाइफ में आई हुई इन कोट मिस्ट्री वुमन हूं तारा अग्रवाल। व्हाट? क्या मिहिर ये जानता है मेरा तुम्हारे पास आना?
तुम्हारा प्रोस्टिट्यूट होना। नहीं, मैं चाहती हूँ मिहिर और दुनिया वाले एक साथ ही जान ले। आ नाइन एट टू वन जीरो सिक्स डबल टू फोर सेवन नंबर है उसका। मीर का ही नंबर मिला रही हो ना? मनी मन सोचती होगी तुम कि कहीं मैं साइकिक केस तो नहीं। मिहिर शांडिल्या जैसी महान हस्ती मुझ जैसी लड़की से प्यार क्यों करेगा? और वैसे भी मिहिर का स्टेटस मेरे कुछ कहने से या मेरी कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें। आ तारा, तुम मिहिर की ड्रीम गर्ल कहने वाली लड़की को पागल समझ के दूर तो कर दोगे, लेकिन कोई लड़की पागलपन में भी अपने आप को प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेगी। देखो जूली, इधर जज्बात से ज्यादा तहकीकात की कीमत होती है। मिहिर का इंटरव्यू किया था तब कितनी बातों की तहकीकात की थी तुमने? उसके बारे में दुनिया बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानती है। और एक कामयाब सेलिब्रिटी झूठ क्यों बोलेगा ना? वीआईपीस के माथे पे तो सच की रेखा होती ही है शायद। बदनाम पेशे से हूं मगर वादा करती हूँ, ना तो मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डालूंगी और ना ही मिहिर के परिवार को। देखो जूली, फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। आई मीन आई हैव टू स्पीक टू माय सीनियर्स। रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? तारा, ना तो मुझे रात बढ़ने का डर है और ना ही अनसेफ होने का। चली जाऊंगी, अकेले आना जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। गोवा से मुंबई भी अकेले आई थी मैं। गोवा माई बर्थ प्लेस, वो छोटा सा शहर मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। हर दिन की शुरुआत वहाँ पानी की तरह फ्रेश और ट्रांसपेरेंट रहती थी। कितना मैजिक जैसा लगता है रात का ये ब्लैक इंक में डुबोया, ये समंदर, ये रेत, ये रॉक्स, मॉर्निंग में एकदम ब्लूइश ग्रीनिश हो जाता है। सुबह का ये पानी बिल्कुल डेनिम ब्लू मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। मालूम नील, तुम्हें नहीं लगता नील, सूरज का किरण पानी में मछली बनकर सोने की तरह चमकता है? मेबी तुम आज एकदम मेरे पापा जैसा बोला। मेबी तुमको मालूम नील, जब मैं छोटी थी तो पापा के साथ इधर ही घूमने को आती और ऐसे ही सवाल पूछती। कभी वो जवाब देता और कभी बोलता मेबी। तो एक बार मैंने उससे पूछा आदमी मरने के बाद किधर जाता, तो वो बोला समंदर के उस पार, और जाके सीगल बन जाता। तो मैं बोली सीगल मरने के बाद आदमी बन जाता क्या? तो वो बोला मेबी। तभी से मैं देखती है ये समंदर वैसा ही है। मैं बड़ी होती गई तो पापा के साथ घूमना सवाल पूछना भी कम होता गया। अब तुमको मिलने आती हूँ तो वैसे ही सवाल आते हैं मेरे मन में। तुम्हारे मन में आता है ऐसा कुछ? कुछ बहुत कुछ आता है। तो बताओ ना क्या आता है तुम्हारे मन में? जूली, ये जो सोने की तरह चमकती मछली है ना, ये रुपया बनकर अपने बैंक बैलेंस में किस दिन चमकेगा? ये साला ब्रगेंजा के जाल से निकलकर अपने जाल में किस दिन फंसेगा? ये या फिर मछली के साथ साथ इस साला ब्रगेंजा को फंस लेगा मैं अपने जाल में। आ गया तेरा ब्रगेंजा बीच में। ए जूली, जूली अगर मैं ब्रगेंजा का नाम नहीं लेगा तो शादी कैसे बनाएगा, घर कैसे खरीदेगा? मुझे छोटा मोटा नहीं किंगफिशर बनने का है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा मैं। तो बनो, तो मैं अभी से बोलती है दो वक्त की रोटी और एक छोटा सा घर काफी है मेरे लिए, और जरूरत पड़ी तो एक छोटी सी बेकरी भी चला लेगी पैसा कमाने के लिए। पागल हो गई है तू, बेकरी चलाएगी? हाँ तो इसमें क्या बुरा है, मेरा पापा 30 साल से चला रहा है बेकरी। और 30 साल से वही करता है, 2 रुपए का पाव 4 रुपए का बिस्किट और क्या। ए नील, देख तू मुझे कुछ भी बोल, मेरे पापा को कुछ बोलो ना तो। 24 घंटे टीवी के सामने बैठने का, फैनी पीने का, और आते क्या तेरे बाप को? जा अपने बाप की बेकरी संभाल। बाय। जूली, 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 क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है एयर होस्टेस की, वो भी वर्जीनिया एयरवेज में, मैं एयर होस्टेस बन गई हूँ। कल ही मुंबई जाकर मुझे ज्वाइन करना होगा। पापा, पापा, देखो मेरी फ्रेंड एयर होस्टेस बन गई। कमेंट कंग्रेचुलेट।
कांग्रेट्स कांग्रेट्स, वाह वाह वाह, लगता है आजकल एयर होस्टेस बनने के लिए ब्यूटीफुल होने का क्वालिफिकेशन निकाल दिया। हाँ, और सिर्फ ब्यूटी क्वींस को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया मिस्टर राल्फ। राल्फ समझे डियर पापा। अरे मैं तो समझ गया, लेकिन सिर्फ कांग्रेट्स, मुंह मीठा कौन करेगा, राल्फ तेरा बाप या इसका अंकल? ओ अंकल, कांग्रेट्स डियरी, कांग्रेट्स। यू बी इन टच, ओके, बाय 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 जूली। नील नील नील, इस तरह रोज शाम को मिलना, मोटरसाइकिल पर घूमना बहुत हो गया। तेरे मम्मी डैडी क्या सोचता होगा? पता है आजकल मेरा पापा भी पूछने लगा है, क्या चक्कर है तुम्हारा? कुछ भी नहीं कह के टाल देती हूँ, लेकिन अभी वापस पूछा ना तो मैं बोल दूंगी हम दोनों शादी करने वाला है साथ। सुन रहा है तू? मैं पापा को बोल दूंगी कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, बोल दो ना नील। नील मैं कुछ बोल रही हूँ तो चुपचाप गाड़ी चला रहा है तू। तू जिंदगी भर मेरे को मोटरसाइकिल पर घुमाता रहेगा क्या? नील तू तू कुछ बोलेगा भी? क्या बोलूं मैं? बोल मैं क्या बोलूं? चाइल्ड मैरिज करने का, माँ बाप के घर पे बोझ बन के रहने का, दो दिन कहीं बाहर हनीमून पे जाने का, बाकी पूरी की पूरी जिंदगी मैं बाप के साथ हॉल में और तू माँ के साथ किचन में सोकर बिताने का। एक साल में बच्चे पैदा कर देंगे, उनको ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बना देंगे, फिर मैं टिफिन लेकर ट्रॉलर पर, तू बच्चों के साथ स्कूल में, चलते रहने का जब तक बुढ़ा नहीं हो जाएगा। नहीं मांगते मुझे सैटेली जिंदगी, मैं शादी तब करेगा जब मैं कुछ हो जाएगा, बहुत पैसा होगा मेरे पास, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, तब करेगा मैं शादी। जोले 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 मेरी बात सुन, जोले कम ऑन जोले, जोले मेरी बात सुन, जोले I'm sorry. I love you, baby. I love you, Julie. Come on, Julie. Hey, Julie. Julie, come on. Julie, don't play games with me. Julie. Hey. Hey, hey, Julie. फूलों से एक नाजुक कली प्यार के रंगों सीख नाजुक कली प्यार की रंगों में ढली चाहत की राहों में पहली बार किसी को चुपके से दिल दे चली जूली नाजुक कली प्यार की रंगों में ढली चाहत की राहों में पहली बार किसी को चुपके से दिल दे चली
क्यों रे? कहाँ थे तुम सब लोग? और सेंटा मोनिका पार्टी मेरे बगैर करने का इरादा है? काय का सेंटा मोनिका पार्टी? पहले डिंकी मुंबई चली गई और आज नील मैंगलोर। कौन करेगा ऑर्गेनाइज पार्टी? नील मैंगलोर गया? यस, तुमसे मिलके आया था ना रात को, तो अपने पापा के सामने एक शाने लड़के की तरह बैठा और बिजनेस की बातें करने लगा। ऐसा लगा कि उसका सारा बचपना ही खत्म हुआ। फिर ब्रिगेंसा के पास भी गया था, वहाँ कुछ मैंगलोर जाने की बात हुई और वो गया भी। जूली बेटे, हमें पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ज़रूर उसे कुछ समझाया है ना? गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। अच्छा जूली, तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना के आंटी मैं चलती हूँ। जूली रुक तो। नहीं आंटी मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाय। तुम भी कैसा मैन है गॉड, एक मिनट में सांस अटकाता है, दूसरे मिनट में सांस फुलाता है। तुमने तो मेरा नॉट फिट करने का काम ही कर दिया गौर। मुझे मालूम था तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी पसंद पसंद करेगा। तुम ही नील के भेजे में गुत्थौर बन के आया ना गौर। वैसे वो भला है, थोड़ा गरम दिमाग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन होशियार है। अब देखा ना किसे एक दिन में बदल गया। अब तो बहुत कुछ बदलेगा गौर। उसका बिजनेस चालू होगा और हमारा शादी होगा। शादी के बाद whether he likes it or not, मैं रोज उसे टिफिन देगी। आफ्टर ऑल हस्बैंड को वाइफ के हाथ का ही खाना खाना चाहिए ना। फिर अभी तो वो बोलता है, लेकिन शादी के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भी उसे, आई मीन नील को, सुक्का नहीं छोड़ेगी। शाम को या फिर संडे को मोटरसाइकिल पे घूमने जाएगी उसके साथ, वो भी हमारे दो दो बच्चों के साथ। उसका सिगरेट जरूर छुड़ाएगी मैं। अब गोवा में पीने के बारे में तुम भी किसी को क्या बोलेगा ना गॉड। मैं अभी यहाँ से जाएगी और नील के घर में शादी के बाद लगने वाली सब चीज़ों का लिस्ट बनाएगी। उसका डैडी थोड़ा रफ एंड टफ है, लेकिन मम्मी एकदम जेलीफिश जैसा है। I'm just so glad and happy, God. I'm really happy. Jolie! 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 Are Jolie! Ah, Julie, kithe go? Are paper mein bada khabar hai, what? To isme nayi baat kya hai? Are jo bhi kuch hai, tumhare kaam ka khabar hai, what? गवर्नमेंट ने मैदे का भाव बढ़ाया होगा या लोड शेडिंग हुआ होगा? मैदे का भाव नहीं, तुम्हारा नील का भाव बढ़ गया। नील का? हाँ, ब्रेगंजा और नील में बिजनेस डील हो गया। ब्रेगंजा का पूरा गोवा का बिजनेस नील देखेगा एज अ पार्टनर। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज़। मैं भी जाके इसका विश करता है। तुमने नील को बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आज दामाद भी बना लिया? Of course, why not? Why not? आँखों में सपने जल गए,
देखो तो अपने चल गए टूट के बिखरी ये जिंदगी, प्यार के पल में क्यों मौसम ढल गए, मौसम ढल गए, मौसम ढल गए। मेरे ही कहने पर डिंकी ने जॉब इंटरव्यू का टेलीग्राम भेजा। वो घर, मेरा ट्रेडमार्क, मेरी साइकिल, पपी डॉग। उस घर से जुड़ी गोवा की हर वो गली जहाँ नील के साथ कुछ सपने देखे थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा। पापा ने बिना कुछ कहे अलविदा करके मेरा दुख शेयर किया। छोटी सी बैग में बचपन से लेकर अब तक की मैं समा गई। वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, और पीछे मुड़कर भी ना देखते हुए मैं चली आई मुंबई डिंकी के घर। डिंकी ने मुझे यादों के उस क्लोरोफॉर्म से बाहर निकलने का वक्त तो दिया है, ऊपर से नया कुछ करने की उम्मीद भी। देख जूली, ये गोवा नहीं मुंबई है, और अगर तुझे यहाँ अपने बलबूते पर कुछ करना है तो तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आई मीन टू से यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। रूल नंबर वन, कभी अपनी आंखों देखी चीज पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव इन व्हाट यू सी, समझी? अब जरा काम की बात करें। मैंने एक मिस्टर शाह से तेरे जॉब के लिए बात की है, रेप्यूटेड बिल्डर है, कल सुबह उनके ऑफिस जाकर उनसे मिल लेना। कल सुबह? हाँ, 10 बजे, शार्प एट 10। नाउ गो टू स्लीप, गुड नाइट। Which floor? Fifth. Jesus. Interview? Yeah. First door on your right. Shah Constructions, may I help you? Yeah, just hold. गुड मॉर्निंग। यस, मैं जूली। मुझे मिस्टर शाह ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो आप जूली हैं? यस सर, वो मेरा मिस जूली, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई विल कीप इट फॉर रिकॉर्ड सेक। उस दिन मैंने डिंकी से कहा था कि तुम रिकमेंड कर रही हो, आई कैन अपॉइंट ब्लाइंडली, सो नाउ यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। तो कब से ज्वाइन करना होगा? Now you are appointed, so आज से अभी।
क्या है ये? मार्बल ठीक से पॉलिश ही नहीं हुआ है अभी। सर आज हो जाएगा। कब? आज शाम तक सर। और यहाँ जो बाथरूम है वो? सर वो मिश्रा जी से मैंने बोला है। देखो शर्मा, मैं कंक्रीट ब्लॉक्स नहीं घर बेचता हूँ, घर समझे? इस तरह का काम मेरे पास नहीं चलेगा। सॉरी सर। मिस जूली? हाँ? लगता है सबको आइडियल लगने वाला ये सैंपल फ्लैट तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं। नॉट एग्जैक्टली सर, अगर सच कहूं तो। नो प्रॉब्लम, बोलो बोलो बोलो। तो क्या साफ बोलो सर? कुछ चीजें पसंद नहीं आई। सच एज? देखो जूली, लेडीज की पसंद बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए। सर इन दीवारों का रंग बदल दिया जाए। क्यों भाई, क्या खराबी है इसमें? खराबी नहीं है सर, बात मोड की है। जैसे आप कंक्रीट ब्लॉक्स की जगह घर बेचना चाहते हैं, वैसे इन दीवारों की जगह अगर खुला आसमान हो, कलर इन दीवारों का स्काई ब्लू कर दे हम, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आसमान है। एंड मुंबई जैसे भागदौड़ वाले शहर में हम दीवारों पर आसमान रंग दे तो वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन एंड वेरी प्रैक्टिकल। एक्सेप्टेड राइट नाउ जूली। अरे सुनो। यस सर। रोहन है क्या साइड पे? सर मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। अच्छा रहन दो, मैडम को शेड कार्ड दिखाओ जो दीवारों का कलर बदलना है। सर मैं अभी दिखा लेता हूँ। Hello, sweetie. Lovely. Wow, you're looking nice. Thank you. Huh? Look who's here. Hello, Dinky. Long time no see, huh? Lambi trip pe gayi thi? Nahi na. Yahi India mein ghoom rahi thi. Isliye to aajkal yahan nahi aati. Aur waise bhi India mein rehkar mujhe kise impress karna hai? Tu baatein bahut lambi karti hai. Pehle mujhe ye bata ki mere liye kya leke aayi hai. Main tumko kya dungi, Dellas? क्योंकि जो मैं दूंगी वो तुम्हारे काम का नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। ये तो मैं पहले से समझ गई थी। ओहो, अ न्यू कस्टमर। हाउ यू डूइंग स्वीटी? न्यू हियर? जी। डेलास वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह, गोवा से आई है जूली। गोवा, हाउ वंडरफुल। एवरीबॉडी लिसन, अ ट्रीट फॉर अ न्यू कस्टमर, एवरीथिंग ऑन द हाउस, हैव अ बॉल स्वीटी। और मुझे कम से कम कमीशन? अगर कमीशन ही कमानी है तो अंगूर पे नहीं आम पे कमाओ। बाय डल्लास। बाय 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 जूली। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग, हूज दिस लेडी? डल्लास कहने को तो पार्लर की ओनर है, पर एक्चुअल में लड़कियां सप्लाई करती है। शी इज अ पिंप। व्हाट? शी इज अ पिंप। तो हम यहां क्यों? अब अपना फेस नॉर्मल कर और इस शहर का दूसरा रूल सुन। नेवर इंटरफियर इन समबडीज एल्सेस लाइफ। कभी किसी दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी मत दो, समझी? कम इन। आप वही है ना जो कुछ दिन पहले मुझे लिफ्ट में? यस, जूली। ये बंबई की हवा पानी भी कमाल की दवा दारू है कि किसी भी कैटरपिलर को बटरफ्लाई बना देती है। एनीवे, कंग्रेट्स। कंग्रेट्स? यस, एक तो इसलिए कि आपको ये नौकरी मिल गई, और दूसरा इसलिए कि आपने मेरी छुट्टी कर दी। आपकी? वैसे बंदे को रोहन कहते हैं, शाह कंस्ट्रक्शन का डिजाइन कंसल्टेंट। यस यस आई नो, आप बैठिए ना प्लीज।
After you. Thank you. I'm sorry. वो दिन मैंने सजेशन क्या दे दी, सर ने तो एकदम ही एक्शन ले लिया. मैं आपको कैसे बताऊं कि गलती तो ना गलती आपकी है ना सर की. वो क्या कहते हैं कि हाँ, 100 सोनार की एक लोहार की. भाई हम तो बस रूटीन घिसते रहते हैं. ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो यहाँ के पुराने क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं और आप यहाँ की नई पर्सनल असिस्टेंट. आप चुटकी में रंग बदलवा देती हैं तो कंसल्टेंट बदलने के लिए आपको चुटकी भी बजानी नहीं पड़ेगी. मिस्टर रोहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक कप कॉफी पिला दीजिए, समझ जाऊंगा. व्हाट? यस मिस जूली, एक कप कॉफी. बाय द वे, आपकी सजेशन नियायती, खूबसूरत और अकलमंद सजेशन है, तो एक कप कॉफी पिला के आप अपनी कामयाबी की एक छोटी सी ट्रीट दे दीजिए. शुगा? वन. आप जैसी अच्छी टेस्ट वाली हमारी बिजनेस में 100 में से 1 मिलती है. ये कॉफी वॉफी तो एक बहाना है. पेशे से मैं एक डिजाइनर हूं, हमेशा अलग चाहता हूं, अलग देखता हूं. जब लोग मोर के पीछे भागते हैं, उसके नाचने पर झूमते हैं, तब मेरी नजर एक क्वाइट लेक पर, बहुत ही एरिस्टोक्रेट पोजीशन में एक लहराते हुए वाइट हंस पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है एक ऊंचे खानदान का रईस बड़े आराम से वाइन पी रहा हो. इंटरेस्टिंग. फिर मोर का नाचना तो किसी हिंदी पिक्चर के बंजारे डांस जैसा लगता है. और आपका हंस? हंस का लहराना तो किसी ऑपेरा की तरह. आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और लगते हैं. सच? बिल्कुल. स्कॉर्पियंस ऐसे ही होते हैं. आप बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप साइंस में? मेरे लिए सब ग्राफिक डिजाइन हैं. कभी उन्हें यूज करता हूँ, कभी पढ़ लेता हूँ. लेकिन आप जरूर लिब्रन हैं. आपने कैसे पहचाना? जिस तरह से आप सब तोल मोल के बोल रही है ना, उससे. लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए. अभी तो जेब में पैसे है ना. गुड टाइमिंग. ये सब डिंकी की देन है. डिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है. आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट डिंकी को जाता है. आपकी बातें भी काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड एनकरेजिंग. आप इतना काम क्यों रही हैं? यहाँ का एसी कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है. एसी इफेक्टिव नहीं है, आपकी स्लीवलेस कुछ ज्यादा ही लेस है. वो मैं एनीवे, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. मिस जूली, वैसे अब आप क्या करेंगी? अब ना ही खाने की भूख और ना ही पेट में जगह. सो आई विल प्रोबेबली गो एंड स्लीप. क्यों? ऐसे ही, अगर आप जैकेट पहन के ही सोने वाली है तो. ओह, आई एम सो सॉरी. लेट मी हेल्प यू. जूली, तुम्हारे वजह से मेरी बस और ट्रेन की आदत डेफिनेटली छूटने वाली है. भाई तुम बोलो तो गाड़ी रोक के ट्रेन में चलें. ट्रेन और तुम, आज तक कभी महालक्ष्मी या लोअर रेल का नाम भी सुना है तुमने? तुमसे कहीं ज्यादा, विरार तक गया हूँ ट्रेन में. ये जो मेरी गाड़ी और मेरी कामयाबी देख रही हो, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है. ओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सोच बहुत ऊंची है. वैसे तुमने वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? उसका क्या? वो कछुआ मेरे दादाजी हैं. अच्छा, मिस्टर राजकुमार कछुआ. यस. अब आप हमें ये बताएंगे कि इतना सज धज के कहाँ ले जा रहे हैं?
मेरा एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है मिस्टर वाधवा, उसी की पार्टी है। हो सकता है इसी पार्टी में मिस्टर वाधवा मुझे अपनी नई स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। पर तुम्हारी इस बिजनेस पार्टी में मैं क्या करूंगी? मेरे साथ रहोगी, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, यू आर माय लकी मैस्कॉट। थैंक यू, थैंक यू। रोहन बाबू, कम, देयर ही इज, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, तुम खूबसूरत डिजाइन बनाते हो ये तो सुना था, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर साथ में लेकर घूमते हो ये पहली बार देखा है। यही है मिस्टर वाधवा और ये है मिस जूली। जूली, हेलो। मिस्टर शाह की पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वही हैं जिन्होंने दीवारों का रंग क्या बदलवाया, पूरी स्कीम रातों रात बिक गई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। देखो तुम्हारी नौकरी जैसी भी है ना, चल रहे तो, लेकिन अगर तुम वैसा ही कुछ मिरेकल अपने इस दोस्त रोहन के साथ मिलकर सोच सकते हो तो बोलो। पूना वाली पूरी स्कीम का काम रोहन के नाम, कंडीशन सिर्फ तुम्हारा साथ। क्यों नहीं, जरूर सर। देन इट्स डन रोहन। थैंक यू सर। भाई डिजाइन बनाने शुरू करो एंड हेल्प योरसेल्फ। श्योर। जूली, थैंक्स। रोहन, एंजॉय द पार्टी। Cheers. मैंने कहा था ना कि तुम मेरी लकी मैस्कॉट हो। लेकिन हमें करना क्या होगा रोहन? मिस्टर वाधवा एक स्कीम बना रहे हैं पूना के पास, फर्निश्ड फ्लैट्स और रो हाउसेस। हमें उनका इंटीरियर करना है। जूली, अगर ये स्कीम हमें मिल जाए तो रेलवे स्टेशन तो क्या, मैं इंडिया का एयरपोर्ट भी भूल जाऊंगा। क्या मैं सचमुच उसकी लकी मैस्कॉट थी? वो उस रात इतना खुश था जैसे उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिली गया। रोहन का यही कॉन्फिडेंस मुझे उसके और करीब ले गया। जूली, ये मेरे क्लाइंट का घर है जिसे मैंने डिजाइन किया है। अगर वाधवा का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो हमारा भी ऐसा ड्रीम हाउस होगा। वाकई बहुत अच्छा है। Dinky, sorry.
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि मुझे वेट कराओगी। आई एम सॉरी डिंग्स, ऑफिस में इतना काम था, मैं काम छोड़कर नहीं आ सकती थी। शाह सर भी नहीं थे। रियली प्लीज अंडरस्टैंड। एक छोटी सी नौकरी की तलाश में गोवा से मुंबई आई थी तुम, और आज इतनी बिजी रहने लगी हो कि रहते तो एक साथ है पर मिलना मुश्किल होगा। अच्छा तो तुम बताओ तुम वापस कब आ रही हो? तुम जैसे ही वापस आओगी हम लोग दूर कहीं छुट्टी मनाने जाएंगे। कम से कम 6 महीने बाद। मतलब 6 महीने मैडम पायलट राकेश के साथ? hey, रूल्स भूल गई क्या? और हाँ, मेरे आने से पहले शादी मत करना। तुम भी वहां से दूसरी पोस्टिंग पर मत चली जाना वरना आते आते मौसी बन जाओगी। बाय। ओह गॉड, आउट टू रश, यू टेक केयर, ओके बाय। हेलो, वेलकम होम डार्लिंग। रोहन। अच्छा अभी सुनो। सुनाइए। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कबर्ड में कॉर्नफ्लेक्स पड़ा है, और अगर ऑमलेट खाना चाहती हो तो ट्रे में अंडे पड़े। अच्छा, और हाँ अगर लंच मेरे साथ खाना चाहती हो तो ये मोर देन वेलकम। अपनी बकबक बंद करो और फटाफट काम निपटा कर घर आओ। नो माय डियर, तुम्हारा ये वर्कहोलिक टेडी बेयर अब तुम्हें रात को ही मिलेगा, लेकिन हाँ उसके पहले तुम मिस्टर वाधवा को मिल रही हो ठीक 5 बजे विद डिजाइन्स। ओके, ये हैं हमारे बेसिक डिजाइन्स, ये छोटे फ्लैट्स, ये रो हाउसेस और ये पेंट हाउसेस। तुम्हारा ड्रेस सेंस अच्छा है। ओह थैंक्स। अगर आप देखें तो इन छोटे फ्लैट्स में भी हमने कुछ इंडो प्लान सजेस्ट किए हैं। जूली, जब तुम एक्सप्लेन करती हो ना तो तुम्हारे हाथों की और होंठों की मूवमेंट्स बहुत स्वीट लगते हैं। मे बी, ये हमने बड़े फ्लैट्स में भी मार्बल से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है स्पेस को। और जूली, क्या है कि तुम्हारे इस लैपटॉप की प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, किधर और कैसे देखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने तो है पर पूरा देख नहीं पा रहा हूं। क्यों ना हम साइट पर चलें, वहां तो मुझे रूम बाय रूम डिटेल में एक्सप्लेन करोगी तो बेहतर होगा, नहीं? ओके, दैट्स फाइन विद मी। ग्रेट, मैं रोहन से सूटेबल डेट्स लेकर आपको बता दूंगी। रोहन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, रोहन क्या करेगा, किसी वीकेंड पर साथ चलते हैं, सैटरडे को साइट देखेंगे, रात को खंडाला में आकर हमारे गेस्ट हाउस में रहेंगे, वी स्पेंड द नाइट टुगेदर। व्हाट? साइट देखने के बाद जब हम साथ रहेंगे जो बची खुची क्वेरी जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक वर्बल है वही कंफर्म हो जाएगा। मंडे मॉर्निंग तुम अपने घर ही ऑफिस में होगी विद द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली साइंड सील्ड डिलीवर्ड। व्हाट डू यू से? अरे क्या हुआ भाई? बास्टर्ड, पेशर में की भी कोई हद होती है। अरे क्या हुआ, टैक्सी वाले से कुछ झगड़ा हो गया क्या? टैक्सी वाला सा रिक्शा वाला सा बेटर ह्यूमन देन योर ब्लडी वाधवा। ब्लडी वाधवा, क्या हुआ, उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्या? प्रपोजल में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो फिर क्या कोटेशन में था? कोटेशन में भी इंटरेस्ट नहीं था। He was interested in me. In you? शुरू में तो मेरी समझ में नहीं आया, कभी कपड़ों की तारीफ, कभी मैनरिज्म्स की बात। जूली जूली जूली, इट्स माय मिस्टेक। ये जो वाधवा है ना वो जरा रंगीला किस्म का आदमी है, उसे शायरी सुनाने का गजल सुनाने का बहुत शौक है। रोहन, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैं कुछ सीरियसली बोल रही हूँ। अरे मैं भी तो सीरियसली कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। सीधी? अरे वो ऐसे उल्लू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ गधा भी पहलवान, you know what I mean? ये जो तुम्हारा वाधवा है ना, ना उल्लू है ना गधा, वो कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ता? वो चाहता है कि मैं उसके साथ साइट पर जाकर सारी डिजाइन्स एक्सप्लेन करूं और रात को खंडाला में रहकर सारी क्वेरी सेटल करूं ताकि वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कंफर्म करके दे। आई हेट दैट डॉग। चूली, ये कुत्ता एनिमल ही ऐसा है, दिखने में वफादार दिखता है, होता भी है, लेकिन उसे कितना भी ट्रेन कर लो उसकी पैर ऊपर करके सूसू करने की आदत नहीं जाती। रोहन, तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो ना, अगर वाधवा तुमसे कुछ चाहता है उसे तुमसे कहने की क्या जरूरत थी, वो मुझसे कहता। हाँ।
इस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या है जूली, कभी कभी सिंपल चीजें हमारे समझ में नहीं आती। सिंपल चीज? कोई गैर मर्द मुझे उसके साथ एक रात बिताने को बोले और तुम कहते हो सिंपल चीज? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? वहां उसके ये कहने के बाद मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना कपड़ों के बगैर खड़े रहने के बराबर था और तुम कहते हो सिंपल चीज? कुछ भी ज्यादा नहीं है जूली, कुछ भी नहीं। ना ही मेरा पीना, ना ही वादवा का डिमांड। ज्यादा अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा सोचना। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। क्यों सोचती हो इतना? तुम इतने सारे डिजाइन के साथ वादवा के पास गई थी, क्या वादवा ने उसके बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा ना। और बिना सोचे समझे उसने तुमसे एक रात मांगी, बस। मैं तुम्हें एक बिखूनी की कहानी सुनाता हूं। तुम्हारी तरह एक बिखूनी थी, बिखूनी लेडी मॉन्क। एक गांव में भिक्षा मांगते मांगते रात हो गई। वो गांव उसके पंथ का नहीं था। वो एक घर से दूसरे घर भटकी, लेकिन कोई भी उसे पनाह देने के लिए रेडी नहीं था। आखिर में वो कंबल बिछाकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। वो रात पूनम की रात थी। सारा गांव, गली, कूचा, पत्ते, पर्वत चांदी में नारे थे। नेचर का ऐसा अद्भुत दृश्य उसने आज तक नहीं देखा था। सुबह होते ही वो सबके घर जाकर उसने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया इसलिए कि कल रात अगर वो उसे पनाह देते तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं वो कभी नहीं जान पाती। मैं कुछ समझी नहीं। अपने घर में तो हर रात सभी सोते हैं, लेकिन एक रात अगर तुम वाधवा के साथ सोती तो चांदनी में नाना किसे कहते हैं पैसों की बारिश क्या होती तुम जान जाती। और वैसे भी शादी तो मैं तुमसे करने ही वाला था, तो बाकी की जिंदगी हमारी चमचमाती रातों में गुजरती। रोहन! वाधवा तो गली का कुत्ता था, लेकिन तुम बातों के पैटर्न से सिर्फ खेलते नहीं, वक्त आने पर अपने फायदे के लिए बेचते भी हो। कहानियां तो तुम पहले दिन से लेकर आज तक खूब सुनाते आए हो, लेकिन आज की तुम्हारी ये लेडी मॉन्क बिखोनी की कहानी से ये साबित होता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो पूजा के फूल अर्थी पर और अर्थी के फूल किसी के बर्थडे पर प्रेजेंट कर सकते हो। सपनों का महल बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के घर भेजने वाले, अरे तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए भी अपने बीवी बच्चों का सर किसी के आगे झुकने नहीं देते। घिनाने लगी है मुझे अपने आप पर। जो मैंने तुम जैसे इंसान से नाता जोड़ा रोहन, बात माने तो सिर्फ मेरे कपड़े उतारने चाहे, तुमने तो मेरी खाली उतार दी। बड़े विश्वास के साथ हाथ थामा था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुमने उन्हीं हाथों को कंधों से अलग कर दिया। चांदी में नहलाना चाहते हो ना मुझे, बारिश में नचाना चाहते हो मुझे। वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाला था, वैसे भी मींस शादी मैं तुमसे करूं और तुम्हारे इशारों पर बिस्तर किसी और का गर्म करूं। I hate you, you bastard! Come on, Julie. प्यार में love and hate तो आम बात है। Shut up! Shut your mouth! औकात नहीं है तुम्हारी अपनी जुबान से मेरा नाम लेने की। तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसे मैं अपनी जूतों से भी रगड़ना नहीं चाहती। Oh!
लॉन्ग टाइम नो सी, तुम पार्लर भी नहीं आई हो? हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मगर क्यों? डिंकी तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसकी तुम बिजनेस पार्टनर बनी हो। हाँ, गोवा से आते मुंबई की मछली फांसली, आई लव दैट, आई रियली लाइक दैट, रियल कूल। दिलनास, सोचती होगी बदला लूंगी मैं, फिर एक बार जाकर उस बास्टर्ड को तमाचे मारने को तरसते हैं ये हाथ, फिर बेबसी की फीलिंग और बर्फ जैसा ठंडा हेल्पलेसनेस। ऐसी हालत में किसी की गोद में जाकर रोना या कुछ मदद मांगना कितना शेमफुल लगता है ना, ये घुटता है मन। ये सब मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही बार बार क्यों? और यही एक सेंटेंस है जूली जो हमारी जिंदगी बदल देता है, मेरे साथ ही ये बार बार क्यों। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है, मेरे साथ ही ये क्यों। यही वक्त होता है अपने बारे में सोचने का, कौन हूं मैं, क्या मिलता है मुझे। ऐसा सब कुछ होता है तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाता है। बास्टर्ड्स, सोचने लगती है कि मुझ में ही तो कोई कमी नहीं, मर तो निकल जाता है आसानी से, औरत थक जाती है, हार जाती है, और मर्द यही चाहता है कि हम थक जाएं, हार जाएं, और उसे इस बात का विश्वास ही नहीं यकीन भी होता है, औरत ही है, क्या करेगी ये। अब देखो ना, तुमने जिसे जी जान से चाहा, अपना सब कुछ दिया उसे, उसने कितनी आसानी से तुम्हें दूसरे के साथ शेयर करना चाहा। स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि हम उसका गला घोटने के बजाय अपना गला घोटना पसंद करती हैं, हम खुदकुशी कर लेती हैं। मैं जानती हूँ तुमने भी खुदकुशी करने की सोची होगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ जूली, किसी और की गलती के लिए अपनी जान देना कोई सेंसिबल बात है? आई नो मेरा सवाल इरिटेटिंग है, फिर भी पूछती हूँ, क्या करोगी? कुछ भुलाने के लिए गोवा छोड़ा था तुमने, अब वापस उसी मायूसी के साथ रहना आसान नहीं होगा। जिस तरह चुटकी भर में शाह की नौकरी छोड़ी थी तुमने, उसे वापस दिलाने में शाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। झगड़ा तो तुम दोनों में हुआ है ना, रोहन और शाह में तो नहीं ना। वो तुमसे जितनी भी हमदर्दी दिखाए, डील तो नहीं तोड़ने वाला ना वो। किसी को बेटी कहना और बेटी होने में बहुत फर्क होता है जूली। हाँ, अब रही डिंकी की बात, तो अब तो वो यहाँ है नहीं, तो कहाँ जाओगी तुम, कहाँ रहोगी? फिर कोई नील, फिर कोई रोहन। दुनिया गोल नहीं जूली, मेरी ग्राउंड है। कितनी आसानी से ये बास्टर्ड औरत को खुदकुशी के रास्ते ले आते हैं। तुम जिस दौर से गुजर रही हो ना, उस दौर से बहुत लड़कियां गुजर चुकी हैं, गुजर रही हैं और गुजरती रहेंगी। मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर खुदकुशी को खुदकुशी में बदल दिया। यूँ समझो कि खुदकुशी अगर फुल स्टॉप है तो खुदकुशी कॉमा अल्प विराम। अब जो मैंने ये बात बताई है तुम्हें, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, हमारा शरीर। हर किसी को हमारा शरीर चाहिए, कोई धक्का मारकर, कोई सीटी बजाकर, तो कोई प्यार जताकर, कोई जान पहचान बनाकर, बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र पहनाकर, शादी रचाकर हर रात बलात्कार करता है। तो किस्सा तो एक ही है ना,
Everybody wants our body. डेलनास की बात बिना कोई रिएक्शन सुन तो ली मैंने, लेकिन एक मोड़ पर उसे वहीं छोड़कर आगे निकल आई, सिर्फ एक सवाल साथ लेके। कौन हूं मैं? मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब मैं ही दे सकती थी। कोई दूसरा मेरी पहचान बनाए, इससे अच्छा मैं ही अपनी एक पहचान बनाऊंगी, ये तय कर चुकी थी मैं। डेलनास के पेचीदा सवाल का जवाब मिल गया था मुझे, और सबसे पहले उसे ही सुनाना चाहती थी। मेरे लिए ये जिंदगी का आखिरी मोड़ था। सॉरी जूली, मैंने तुम्हें गलत समझा। शायद मेरा नाम, मेरा काम मुझ पे इतना हावी हो गया कि बेवजह चार टेढ़े सवाल पूछ लिए। मैंने एक औरत होने के बावजूद मैं एक आम इंसान की तरह पेश आई, पर अब मेरा मन साफ है। तुम्हारा इंटरव्यू मिहिर के इंटरव्यू की तरह पूरे सम्मान के साथ करने की कोशिश करूंगी। At least we can hope for the best, na? Take care, okay? जूली, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। लिसन टू मी, आई वॉन्ट टू टेक यू समवेयर। आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूं। क्या है बेटी? जूली। हाय, मैं हूँ सोनिया, आपके मिहिर जी की छोटी बहन। ये चाची, ये पिंकी, ये चाचा, वो माँ है, और ये है सानी। पापा लंदन गए हैं, भैया ने आपको बताया ही होगा, और ये है हमारी दादी जी। नॉर्थ के हम सभी बड़ी फैमिली को जानते हैं, कहीं तुम एमपी के किसी बड़े खानदान से तो नहीं हो? आप मिहिर भैया की मिस्ट्री वुमन है क्या? You must be a double graduate in foreign languages, no? तुम जो कुछ भी हो, जहां से भी हो, मिहिर की पसंद हो, और मुझे अपने मिहिर पर पूरा भरोसा है। बस मैं इतना चाहूंगी कि तुम मेरे मिहिर का ख्याल रखना।
एक्सक्यूज मी। हाय जूली, गेस व्हाट, चैनल ने हमारी बात मान ली है। सीईओ से अच्छा खासा कॉन्फ्रंटेशन हुआ। तुम्हारा इंटरव्यू हम अपने चैनल के स्टूडियो से टेलीकास्ट करेंगे और वो भी लाइव। आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक प्रोस्टिट्यूट का लाइव इंटरव्यू होगा। वाओ। सोचो ना जूली, ये जो लोग रोज घिसे पिटे पारिवारिक सीरियल देखते रहते हैं, ये जब तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे, आई मीन दिल बी शॉक्ड। अच्छा हाँ, बाय द वे, तुम्हें हमारे स्टूडियो आना पड़ेगा प्रोमो शूट के लिए। ओके, टेक केयर, बाय। व्हाट अ लवली फीलिंग इट इज किसी के प्यार में होना। इट इज सो फ्रेश, इट्स फ्रेशर देन फ्रेश एयर। पता है जूली, सब कुछ बदला बदला सा लगता है। मैंने सुना था प्यार में लड़कियों के तन मन में हलचल होती है, लेकिन हम मर्दों में भी बहुत हलचल होती है भाई। जानती हो, कल से FM पर मुझे हर गाना अपनी ही फीलिंग्स गाता सुनाई देता है। वो क्या गाना था? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुना तुमने? क्या? अरे वो था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप और ना जाने क्या क्या। भाई अपनी तो लिस्ट लंबी हो गई। जॉगिंग के बाद पहला शार, मॉर्निंग शेव के बाद कोलोन, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट विद स्क्रैम्बल्ड एग्स, ऑरेंज जूस एंड टोस्ट। आई एम फीलिंग रियली गुड एंड यू नो व्हाट, माय फैमिली इज फीलिंग वेरी गुड। तुम तो ये मान के चल रहे हो जैसे उन्होंने हाँ कर दी हो। अपने घर वालों को मैं बचपन से जानता हूँ और शांडिल्य परिवार में झूठ बोलने का कोई ट्रेडिशन नहीं है। हम अपनी पसंद का इजहार लफ्जों में नहीं, हंस कर देते हैं, और उनकी हंसी से मुझे पता चला कि तुमने मेरा नहीं, हम सबका दिल जीत लिया है। रियली जूली, इस स्पॉट पर फैमिली के साथ कई बार आउटिंग के लिए आ चुका हूँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ वही स्पॉट कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। रियली? पंद्रह दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, ट्राई नॉट टू मिस मी, ओके? कोशिश करूंगी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मेरे दादाजी भी कहा करते थे, कोशिश वो सीढ़ी है कि पांव टिके तो कामयाबी, और अगर फिसले तो भी उम्मीद बरकरार रहती है। सी ओके, बाय। हाय, मैं जूली, एक पेशेवर कॉल गर्ल, इस हफ्ते आपके टीवी पर आ रही हूँ, मिलिएगा जरूर। हवा क्रिएट कर देंगे देखना, ये जस्सी वस्सी सब भूल जाएंगे। सबके मुंह पर एक ही बात होगी, जूली जैसी कोई नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐड मिलेंगे? मिलेंगे ऋषि, जरूर मिलेंगे। अरे जरा वो फैमिली वाला प्रोमो दिखाओ। मैं जूली, पहचाना नहीं? हो सकता है आपके डैडी, भाई, बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड मुझसे कहीं मिले हो, बताया नहीं। बताएंगे भी कैसे, क्योंकि मैं हूं कॉल गर्ल जूली। अब देखना कैसे ऐड बरसते हैं ऋषि, फोन करो, फैक्स पर रिलीज ऑर्डर लो और शाम को पियून को भेजकर एडवांस पेमेंट मंगवा लो। एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी को टैप किया है इसमें। अब ये तीसरा वाला थोड़ा आर्टी है, लिटरेचर विटरेचर वालों के लिए, टू सम एक्सटेंट सोशल मूवमेंट वालों को भी जचेगा। हैं, ये देखो। कोई कहे राधा, कोई कहे मीरा, कोई कहे तुलसी, क्या पहचान है मेरी असली? मैं जूली, प्रोस्टिट्यूट। एक्सीलेंट, मैं तुम्हें बोलता हूँ तारा मैडम यही रन करेगी। तुमने कुछ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की लिस्ट बनाई है? उसकी कोई जरूरत नहीं ऋषि, वैसे भी कॉन्डोम्स वाले पीछे पड़े हुए हैं टोटल स्पॉन्सरशिप के लिए। अच्छा ये मर्दों वाला प्रोमो तो देख। लोग कहते हैं मैं जिस्म बेचती हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मैं मर्दानगी खरीदती हूँ, वो भी पैसे देकर नहीं, पैसे लेकर। ये कैसी दुकानदारी है? इस हफ्ते जान लीजिएगा मुझसे, मैं जूली वैश्या। इससे ज्यादा डेयरिंग कुछ हो सकता है, हैं? इधर आके बोलना कि मैं धंधे वाली हूं। पहले फिल्म स्टार्स बेच रहे थे, बिजनेसमैन बेच रहे थे, अब डायरेक्ट वैश्या बेचेगी। गवर्नमेंट बैन तो नहीं लगाएगी? अरे बेड़ू, HIV प्रिवेंशन अवेयरनेस का झालर जो लगा दिया है ना बस। और वैसे भी शो लाइव है। एनीवे तो ये प्रोमो ओके है, तो टेलीकास्ट करें, दो दिन में लगाता हूँ फटाका। सोनिया, पता है
इस रेस्टोरेंट में मैं पहली बार मिहिर के साथ ही आई थी। तुमने बताया नहीं भैया तुम्हें पहली बार कहाँ मिले? उसके बाद इतनी बार मुलाकात हुई कि पहली मुलाकात याद ही नहीं। एक्चुअली आज मम्मी और भाभी भी साथ में आने वाली थी। मैंने उन्हें टाल दिया। टाल दिया मीन्स मैं नहीं चाहती थी हमारी आज की मुलाकात शादी की बातें या किसी और घरेलू बातों में उलझती रहे। मुझे तुमसे चैटिंग करनी थी। एनीवे हम लोगों का इस तरह बिना किसी इंटरमेशन के तुम्हें घर से यहाँ बुलाने का मतलब तो तुम जान गई होगी ना। अरे यार तुम बहुत जल्दी हमारे घर की बहू होने वाली हो। हाँ तो वो सब शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। इट्स गुड न्यूज। आई नो इट्स गुड न्यूज तारा, लेकिन आज मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी सनी पिंकी और सोनिया के साथ, और वहाँ मेरा पहला क्लाइंट आ गया। ओह माय गॉड, अब तो फिर? फिर कुछ हुआ तो नहीं, पर मैं कब तक ऐसे अपना पास छुपाऊंगी? और मैं अपने भले के लिए नहीं चाहती कि उन भले लोगों को कुछ नुकसान पहुंचे। तो चाहती क्या हो तुम? हमारे इस इंटरव्यू से पहले मैं नहीं चाहती कि शांडिल्य परिवार मेरी असलियत जाने। और इंटरव्यू के बाद? इंटरव्यू के बाद जो होगा वो मैं झेल लूंगी। बस मुझे तब तक यहां से कहीं दूर ले चलो। अब एक काम हो सकता है, मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तुम वहां रह लो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके रिलैक्स जूली, सिगरेट पियोगी? नो थैंक्स। पता है एक बात का ताज्जुब मुझे आज भी है, उम्र के हिसाब से नील का तुम्हारी जिंदगी में आना कोई सरप्राइज नहीं था। एक साथ काम करते करते रोहन का करीब आ जाना भी एक तरीके से ऑब्वियस ही था, लेकिन मीर और तुम्हारा मिलना, वो भी तब जब तुम एक कॉल गर्ल बन चुकी थी, आई मीन हाउ? दिल्ली जाना है? दिल्ली? टुनाइट। बहुत बड़ा मिनिस्टर है। एक्चुअल क्लाइंट तो कोई और है जो सिर्फ पैसे दे रहा है। वसूली तो ये करेगा। क्यों? ये क्लाइंट मेरा बहुत पुराना कस्टमर है। ऑनेस्ट है, आदमी भी ठीक ही भेजता है। सुबह आएगा तुम्हें खुद पैसे देने। ओके रिसेप्शन, यस, मे आई हेल्प यू? एक्सक्यूज मी। यस सर, श्योर सर। एक्सक्यूज मी, व्हिच रूम इज मिस्टर मल्होत्रा इन? जस्ट मिनट मैम।
नमस्ते साहब. नमस्ते. गुड मॉर्निंग मिस्टर शांडिल्या. हाय, गुड मॉर्निंग. व्हिच रूम? योर फेवरेट स्वीट सर, 450. ग्रेट, थैंक्स. मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा. हैव अ प्लेजेंट स्टे. थैंक यू. रूम नंबर 450 मैम. थैंक यू. मिस्टर मल्होत्रा, ये रूम नंबर 450 ही है ना? ओह, यू गॉट द करेक्ट रूम नंबर, बट आई एम नॉट मिस्टर मल्होत्रा. आप रिसेप्शन से चेक क्यों नहीं कर लेती? आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मिस्टर मल्होत्रा इज इन 602. पैसे देने के वास्ते आए हो तो वहीं टेबल पे रख दो. वो तो तुमने उसी दिन ही फेर लिया था जिस दिन ब्रिगेंसा को अपने जाल में फंसा था तुमने. तो अब क्यों झिझक रहे हो? मेरी कीमत भी उसी दिन तय की थी तुमने. तो सर उठाकर देखो नील, जो कीमत तुमने लगाई थी वो सही है या नहीं. जूली, अच्छा लगता है आज भी मेरा नाम तुम्हारे होठों पे. फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ साल पहले ये सुनने के लिए तरसती थी और आज तरस आता है नील. कामयाबी के लिए तुमने बहुत ही सीधा और सरल रास्ता चुना और इत्तेफाक से मैं भी तुम्हें वहां मिल गई. सो लेट्स सेलिब्रेट कामयाबी. नजर उठाकर देखो नील, तुम्हारी माशूका का ये नंगा बदन जो कल रात तुम्हारे ही पैसों से किसी ने खरीदा था. याद है मैं तुम्हें कहा करती थी एक छोटे से घर में खुश रहोगे, तुम जितना कमाओगे मैं घर चलाऊंगी और अगर कम पड़ा तो बेकरी भी चलाऊंगी. और उस वक्त तुम मेरे पे भड़क गए थे नील, और आज मेरे ही जिस्म की बेकरी तुम्हारे काम आई नील. आग मेरे बदन में लगी है नील, और बिस्किट तुम खा रहे हो नील. अब मैं ये चाहूंगी कि टेबल पर जो कैश रखा है उसे प्यार से लाकर तुम मेरे हाथों पर रख, क्योंकि मेरा एक सपना था नील कि तुम कमाओगे और मेरे हाथों में लाकर थमाओ. आज भी मैं तुम्हारी कमाई उतने ही खुशी से अपने हाथों पर रखूंगी.
भले ही वो तुमने मुझे बेच कर क्यों ना कमाई। सो कम ऑन नील, कम ऑन। या ओके, यस, ऑलराइट, ओके, बाय। थैंक यू। हाय, आपको अपना कमरा मिला? जी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी। अरे मिहिर। ओ हाय अंकल, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? और घर में सब ठीक है ना? सब बढ़िया। What? Not interested? अरे यार ऑफिशियल बैचलर पार्टी है, वो भी अपने केतन की शादी की खुशी में। मुझे तो बस इतना मालूम है कि वहाँ पे हाई क्लास लड़कियाँ होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, बहुत मजा आएगा। हितेन मुझे बैचलर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। अरे यार मुझे तो बस इतना पता है, वन टाइम फन, फर्स्ट क्लास होटल, फर्स्ट क्लास दारू और फर्स्ट क्लास डांस, और उसके बाद हम सब डूब मरेंगे, मजा आ जाएगा यार। देखो तुम लोग डूबो मरो, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे यार मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुझे अगर इतना डर लगता है ना तो तू टोपी पहन कर आइयो। यार मुझे इस सेक्स के मेले में आना ही नहीं है। अरे यार तू समझता क्यों नहीं है यार, मर्द तो हमेशा के लिए बैचलर रह सकता है, ये वर्जिन सर्जन का झमेला तो भगवान ने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है। भाई मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तू आ या ना, मैं दो पटाखा लड़कियां फिर भी तेरे पास भेजने वाला हूँ। यार तुम लोग फुली पागल हो ना। ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं आके केतन से मिलकर चला जाऊंगा, नॉट फॉर मोर देन दैट। ये हुई ना बात। आप परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए आइए। थैंक्स। वैसे मेरा नाम मिहिर है। मैं जूली। बाय। आप घर जाके बेल बजाइए, सब सोए होंगे, लाइट्स ऑन होंगी तो मैं चला जाऊंगा। ओके ओके। ओह गॉड, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? चाबियां तो पर्स में थी। ओह मतलब आप अकेली रहती हैं? देखिए आप कहें तो मैं आपको किसी सहेली, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ छोड़ सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी नहीं, आप निकलिए, आई मैनेज। कैसे? कोई परेशानी की बात नहीं है, आधी रात गुजर चुकी है और सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। अकेले बैठकर रात गुजार लूंगी मैं। और सुबह होते ही किसी चाबी वाले को पकड़ लाऊंगी। ये बहुत ही बोरिंग और एम्बिशियस प्लान नहीं लगता आपको? जी नहीं, जी नहीं। रात बाहर गुजारने की आदत है मुझे। अच्छा अच्छा, लगता है आप रेगुलर पार्टी गोर हैं। खैर हो सकता है आपको रात बाहर गुजारने की आदत हो, मगर मुझे आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाना बहुत ही मैनरलेस लगेगा, बेअदबी। मैं रुकता हूँ यहाँ, चाबी वाला मिलते ही चला जाऊंगा। आपने ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है, अब और ज्यादा तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? तकलीफ नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बिना आपको कोई तकलीफ दिए हुए।
देखिए मैं अभी आपसे कह रही हूँ, आप क्यों मेरे लिए जबरदस्ती अपनी नींद हराम कर रहे हैं? घर जाके आराम से सो क्यों नहीं जाते? नाइस आइडिया। मैं भी क्या आदमी हूँ जो आपके साथ यहीं बैठ गया। आप मेरे घर चल सकते हैं? आपके घर? मैं माफ करना, मैं किसी अजनबी के घर नहीं रह सकती। तो किसी होटल में? क्यों? जिनकी चाबियां गुम जाए या जिनका पर्स चोरी हो जाए उन्हें होटल वाले मुफ्त में रहने देते हैं क्या? सिया कैन इजीली हेल्प यू विद सम मनी। बात पैसों की नहीं, वैसे भी मुझे होटलों में रहना पसंद नहीं है। ओके ओके, एज यू विश। ओनली वन लास्ट सजेशन। इस तरह गुमसुम रात गुजारने के बजाय क्यों ना हम लोग थोड़ा टहल कर आए? चलने से नींद भी नहीं आएगी और इस मुलाकात से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। आपको इस तरह दोस्ती बढ़ाने में कोई एतराज तो नहीं होगा ना? वैसे हमारी मुलाकात इत्तेफाकों का सीरियल ही है। थैंक गॉड सिर्फ 3-4 एपिसोड ही हुए। वैसे आप करती क्या हैं? बताना जरूरी है? छिपाना भी कोई जरूरी नहीं। वही जो एक औरत करती है, और वो भी नहीं जो हर औरत कर सकती है। इन शॉर्ट आप बताना नहीं चाहती हैं? नो प्रॉब्लम। खैर आपके पूछे बगैर मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जानती हूं, पढ़ चुकी हूं इंडिया टुडे में। वो एक छोटा सा प्रोफाइल था, नथिंग मच रियली। एक आदमी को जानने के लिए काफी है। फिर भी आपने हमें अजनबी समझा? इंफॉर्मेशन से हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं कहना गलत होगा ना? गलत होगा, सही बात है। बग्गी में बैठेंगी आप? क्यों? चार कदमों में थक गए आप? वैसे थकना जायज भी है, आप जैसे लोगों पर चलने की नौबत कम ही आती है। सवाल थकने का या नौबत का नहीं है, सवाल शौक का है। बग्गी में बैठना मेरा शौक है। Come and see this. How interesting it is. Smile is the only crooked line which keeps your life straight. Nice, nice, ना? गोवा में हमेशा एक चर्च के बाहर ऐसे थॉट्स लिखते थे। उन्हें डायरी में नोट करना मेरी हॉबी थी। तो आप डायरी भी लिखती हैं? लिखती थी। I like words. सिंपल अल्फाबेट पोजीशंस बदलते रहते हैं और नए नए मीनिंग्स देते रहते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप रिवर यानी पानी या सी शोर के साथ लगाव रखती हैं। Am I right? आपको कैसे मालूम? भाई हम तो ये भी जान गए कि आप पोएट्री भी करती होंगी। करती हैं? आपका एक्सप्रेसिव फेस, आपका डायरी लिखना, ये सब ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी की पहचान है। अगर मैं आपको कहूं कि चलिए ऐसे ही बीच पर चलते हैं, तो आप एक नहीं आधे पांव पर तैयार खड़ी होंगी, राइट? सैंडल्स भी लेकर आए। सॉरी एंड थैंक यू। अभी इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या? जानती हो, दूर से तुम इस बीच पर इन्हीं रॉक्स में से उभरे हुए किसी स्कल्पचर की तरह दिखाई दे रही है। और ये रॉक्स जो भी टोटली डार्क, कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर गर्म लोहे की तरह रेड और उसके बाद सोने की तरह सुनहरे हो जाएंगे। और उस वक्त तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी तो ऐसा लगेगा मानो गोल्डफिश के कलर की कोई जलपरी पानी से बाहर आ रही है। तुमने वो कहानी सुनी? कहानी
कौन? एक राजकुमारी थी जिसको श्राप मिला था और वो जलपरी बन गई थी। जलपरी होने से वो अपने प्रेमी से सिर्फ रात में समुद्र के किनारे मिल सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक परेशानी और थी जो इन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत कठिन थी। कौन सी? सूरज के उगने के साथ जलपरी का वापस समुद्र में लौटना। तुम्हें यहाँ देखा तो पल भर के लिए ऐसा लगा मानो तुम वही जलपरी हो जो कल रात से मेरे साथ में थी और अब सूरज उगने से पहले वापस लौटने के इंतजार में खड़ी हो। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है या ये अचानक मैं जो आपसे तुम पर उतर कर बकबक कर रहा हूँ उससे तुम्हारे अतीत में झांकने की कोशिश की? ऐसा कुछ लगा तुम्हें? क्या हुआ? क्या सोच रही थी कि जिस जलपरी की तलाश में तुम हो और वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चली गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी? इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मोस्ट हेल्पलेस लवर होगा। और तुम? मैं ना तुम्हें जलपरी ना मुझे किसी से मिलना है और ना ही छोड़। कब तक? कम से कम ये सनराइज होने तक तो डेफिनेटली। मैं दूसरा कुछ नहीं सोचूंगी और तुम भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करो, चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो या जिसकी रिंग जोकिंग समझो, लेकिन होगा यही। हमारे दिल में उभरती है वो सूरज की तरह हल्के हल्के लाइट अप होती, हमारे दिलो दिमाग और हमारी पूरी जिंदगी पे छा जाती है। ₹200 इसमें से चाबी बनाने के खाली 20, बाकी 180 चाबी संभाल के रखने की याद दिलाने के। जय बाबा मलंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मीर। भाभी कह रही थी रात को तुम घर नहीं आए। क्यों? जी वो केतन की बैचलर्स पार्टी थी ना तो वहां चले गए थे। तुम ये बैचलर पार्टी में कब से शामिल होने लगे? कहीं बैचलर होने का बोझ तो नहीं हो रहा? एनीवे भाई साहब की ईमेल देखी? पापा की ईमेल आई है। ओहो, इसका मतलब पार्टी बड़ी जोरदार हुई। अब एक और पार्टी होने वाली है। लंदन वाली डील फाइनल हुई क्या? अरे वो तो हो ही जाएगी। तुम लंदन वाले पटेल साहब को जानते हो? उनका क्या? उनका नहीं, उनकी लड़की। वो अपनी लड़की शंडेलिया परिवार में देना चाहते हैं। तुम पापा का ईमेल देख लो, उसमें लड़की का फोटोग्राफ और प्रोफाइल है। हाँ, अगर तुम हाँ करो तो फिर तुम्हारे दोस्तों को एक बैचलर पार्टी और मिल जाएगी। क्यों? ओके, सी यू। चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो या जिसकी रिंग जोकिंग समझो, लेकिन होगा यही।
आप नहीं तुम, नहीं तुम। वो कल रात तुमने कुछ कहा था ना कि जिस दिन मुझे सही लड़की दिखेगी या मिल जाएगी मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, शादी करोगी मुझसे? वो सही लड़की तुम ही हो जूली, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कहीं आप नींद में तो नहीं है? नहीं जूली, मैंने पहले ही कहा कि मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। जूली जूली जूली, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या जवाब? तुम क्या जवाब चाहते हो मैं जानती हूँ। मेरे लिए प्यार या शादी एक रात की मुलाकात नहीं है मेहर। तुम्हारे बारे में तो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? फिलहाल तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। जूली, तुम कौन हो, कैसे रहती हो, क्या करती हो, किस धर्म जात इकोनॉमिक स्टेटस की हो, ये सारी बातें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी विश सच्ची और दिल से, और वो पूरी होगी इसका मुझे यकीन। जूली, मेरी विश, मेरा प्यार सनराइज होते हुए मेरे दिल में उगला। ये सब क्या चल रहा है तारा? प्रोमोस टेलीकास्ट करने का दिन कल से है, और तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि नए प्रोमो शूट करने की कोई जरूरत नहीं, जो प्रोमोस हमने शूट किए हैं वो मार्केटिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। इन्हीं प्रोमोस को दिखाकर हमने ऐड हासिल किए हैं। अब अगर इन प्रोमोस को ना दिखाकर कोई दूसरे प्रोमोस दिखाएंगे तो क्लाइंट स्टॉप पेमेंट कर देंगे। जानती हो तुम्हारी इस हरकत से चैनल को कितना बड़ा घाटा हो सकता है? मिस्टर नायर, आपको सिर्फ अपने कमर्शियल घाटे की पड़ी है, लेकिन हमारा चैनल सिर्फ कमर्शियली वायबल नहीं है, इसकी एक क्रेडिटबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस्म बेचने वाली को पेश करके हम भी उसी तरह पैसे कमाएं जैसे कोई डेलनास कमाती है। What do you mean, Tara? Well, I mean nothing at all, sir. All I'm trying to explain is that we cannot promote the program the way it is. Anyway, मैंने अपनी ऑब्जेक्शन प्रोमो डायरेक्टर को भेज दी इन राइटिंग। सॉरी, जब कंपनी डिसीजन की बात होती है तो उसमें किसी एक की बात महत्वपूर्ण नहीं होती। दिस इज ऑल अ वेस्ट। स्टॉप ऑल दिस। कौशिक, यस सर, बैक अप। जो प्रोमोस हमने पहले शूट किए थे वही टेलीकास्ट होंगे। मैं जूली, पहचाना? नहीं, हो सकता है आपके डैडी, भाई, बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड मुझसे कहीं मिले। बताया नहीं? बताएंगे भी कैसे, क्योंकि मैं हूँ कॉल कॉल कर। लोग कहते हैं मैं जिस्म बेचती हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मैं मर्दानगी खरीदती हूँ, वो भी पैसे दे कर नहीं, पैसे लेकर। ये कैसी दुकानदारी? इस हफ्ते जान लीजिएगा मुझसे। मैं जूली। यहाँ जस्ट स्टॉप, बस मैं पहुंच रही हूँ। कोई कहे राधा, कोई कहे मीरा, कोई कहे तुलसी, क्या पहचान है मेरी असली? मैं जूली, प्रोस्टिट्यूट।
टीवी में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही देर में शुरू हो रहा है बहुत चर्चित टॉक शो इस मोड़ पे आते हैं। पिछले हफ्ते से सारे देश में चर्चा का विषय बना रहा, तो अब बस कुछ ही पल में आपके सामने आएंगी जूली। नमस्कार, इस मोड़ पर आते हैं कि इस हिस्टोरिक लाइव एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि हमारे शो को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल और सोशल कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। इस मोड़ पर आते हैं कि आज की मेहमान हमारे दूसरे मेहमानों जैसी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की अपनी एक पहचान है और यही पहचान आज उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। सो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं बहुचर्चित जूली का। नमस्ते। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम के एड्स में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जूली एक कॉल गर्ल है, वेश्या है। वेश्याओं की भी अपनी एक जिंदगी होती है, लेकिन क्या जूली या जूली जैसी हजारों लड़की हमारी बहन बेटियां या बीवियों जैसी नहीं है? क्या ये किसी की बीवी नहीं बन सकती? क्या ये किसी की माँ नहीं बन सकती? क्या हम इसे ये अधिकार देंगे? ऐसे ही कुछ सवाल, कुछ हकीकतें और कुछ दास्तां सुनाने आई है जूली। सबसे पहले मैं तारा और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर वैसा भी नहीं है जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये गलत तरीके से शोहरत कमाने की एक चाल है। जितनी मेरी सोच है, जो मेरे मन में है और जो सवाल मेरे सामने खड़े हैं, वो भले ही पर्सनल हो, मगर उन सब का एक हिस्सा आप लोग भी हैं। सवाल पर्सनल है, मगर सोसाइटी से जुड़े हुए, इसलिए मैं सोसाइटी की रिएक्शन बाद में झेलने के बजाय पहले झेलना चाहती हूँ। एक बहुत ही नेक, सरल और कामयाब इंसान मुझसे प्यार करते हैं। वैसे तो कॉल गर्ल से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी भी करना चाहते हैं। वो मेरी जिंदगी के बारे में या मेरे अतीत के बारे में जानने से ज्यादा ढेर सारी दूसरी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कई सालों से नहीं,
सदियों से जानते हैं। उसे मुझसे अलग करना would be like to take a soul out of one's body. But I don't want to spoil his soul in my body. मैं ये सब चीजें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे प्रपोज करने वाले दूसरा या तीसरा और कोई नहीं बल्कि मिहिर शैंडलिया है। मिहिर शैंडलिया, शैंडलिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। This is foolish, corrupted and deliberately sensationalized. शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह किसी पर कीचड़ उठाते हुए। Who is she? Have you checked her credentials, Miss Tara? क्या तारा आप नहीं जानती थी कि किसका नाम लेने वाली है? Have you contacted and confirmed with Mr. Chandelier? प्लीज आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्पीक वन बाय वन ताकि मैं कुछ कह सकूं। सॉरी मैडम, रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द शो। एक्सक्यूज मी, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और हम ये शो बंद नहीं करेंगे। एक बार जूरी का कहना खत्म हो जाए तो आप जो चाहे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं बाबा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे अभी अभी तो टीवी पे आया है। हाँ नहीं, शांडेलिया फैमिली से भी कुछ खबर नहीं है। अरे देखते हैं ना यार। हेलो, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से हवलदार पवार बोल रहा हूँ। देखिए, मैं सीटीवी से नायडू बोल रहा हूँ। हमारे स्टूडियो में थोड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत है। पुलिस फोर्स? तो फिर आपको रजिस्टर्ड कंप्लेंट करना पड़ेगा। एक मिनट, हमारे साहब से बात कीजिए। पिछले दो दिन से बहुचर्चित टॉक शो इस मोड़ पर आते हैं जिसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसमें जूली नाम की कॉल गर्ल ने यह दावा किया है कि शांडिलिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मिहिर शांडिलिया न सिर्फ उससे प्यार करते हैं बल्कि उससे शादी भी करना चाहते हैं। जूली के इस बयान के बाद इस प्रोग्राम में रुकावट आ गई है और इस रुकावट की वजह जानने के लिए हम चलते हैं स्टूडियो के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता मीनाक्षी के पास। हाँ तो मीनाक्षी, इस वक्त वहाँ क्या हालात है? विशाल, स्टूडियो के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस भी आई थी और खबर है कि शो में इंटरप्शन है। लेकिन टीवी पर तो ये कैप्शन दिखाया जा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट फिर से शुरू होने वाला है। आपकी इस बारे में चैनल वालों से या तारा अग्रवाल से कोई बातचीत हुई? नहीं विशाल, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और फोन पे भी कोई मौजूद नहीं है। मीनाक्षी, वहाँ कोई धमकी या तोड़फोड़ की खबर? नहीं विशाल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। पता नहीं, इंटरकॉम पे पूछ लीजिए ना। परमिशन नहीं है, हम पूछे? नॉट अलाउड। मिहिर शांडिल्या की प्रेम कहानी ने आज शेयर मार्केट में अपना रंग दिखाया। बताया जाता है कि शांडिल्या ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर्स में भारी उछल कूद के संकेत मिले हैं। घंटों बाद मार्केट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बाजार के निवेशकों ने कहा है कि आज पहली बार किसी सोशल इशू ने सवाल खड़ा किया है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जूली के बयान से आए कुछ इंस्टेंट रिएक्शंस की वजह से हमें ये शो कुछ देर के लिए ऑफ एयर करना पड़ा, लेकिन हम वापस स्टूडियो में हैं और बाहर देख रहे दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, रादर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक दास्तां सुनाना चाहते हैं। नो डाउट इस दास्तां के साथ जुड़े कुछ नाम बड़े हैं, नामवर हैं, लेकिन सच्चाई के सामने कोई बड़ा नहीं होता और हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर जूली गलत है तो हम गलत हैं, लेकिन इस पनिशमेंट के लीगल और मॉरल रास्ते हैं। सो जूली, तुम कह रही थी कि मिहिर शैंडिल्या तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो ये बात तुम दोनों में ही है या उनकी फैमिली जानती थी? तो फिर दिक्कत क्या है?
उनमें से कोई मेरी असलियत नहीं जानता। तो आप जब उनसे मिली थी तो उस वक्त क्यों नहीं बताया था? मेहर को बता दी, यहाँ के तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, मजबूरी। मजबूरी कौन सी? पैसों की? आपके बाप को भी कैंसर हुआ है। आप लोग इतना परेशान और उखड़े हुए इसलिए क्योंकि मैंने मिहिर शांडिल्या का नाम लिया। आपको मिहिर के स्टेटस का ख्याल है, मगर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। और अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं यहाँ आकर अपना तमाशा नहीं बनाती। आपकी नजरों में मिहिर कोई बड़ा हो, मगर मेरे लिए वो प्रेमी है। और प्यार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप लोग जिसे तमाशा कह रहे हैं, वही अगर मैं मीर की जगह किसी आम आदमी का नाम लेती तो आप लोग उसे ढूंढ कर लाते और मुझसे शादी करने को मना बनाते, हमारी फोटो प्रेस में छप जाते। मीर को मेरी नजरों से देखो। Chandelier shouts nothing doing. Channel in trouble. Mihir Chandelier, Meherman on Mystery Mehbooba. Love story comes true. Ameeron ki shaadi hai to hum barati hai aur barbaadi hai to bhi matam mein hum frontliner hain. Dekhte hain Chandelier sahab ab kya karte hain. तुम जहां कहीं भी हो मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें बिना कुछ बताए कहीं चली जाती तो तुम दुनिया के किसी भी कोने से मुझे ढूंढ निकालते। और अगर मैं तुम्हें कुछ बताती फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट करके अपने साथ ही रखते, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता या फिर अपने बुजुर्गों की कमाई हुई पूंजी पर पानी फेरना पड़ता। तुमने ये मानते और मुझे अपनाने की जिद पर अड़े रहते, इसी जिद से डरकर मैं यहां आई हूं। यहां से जो बात फैलेगी वो शायद तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करती जो तुम कभी नहीं तोड़ सकोगे। शादी में सिर्फ तुझे नजदीक नहीं आते, उनकी आत्माओं का भी मिलन होता है। मेरी आत्मा तो उसी वक्त मर गई थी जब पहली बार मैंने अपना जिस्म बेचा था। तुम वो हमसफर थे जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। तुम वो सपना जिसे बड़े नाजों से मैंने अपने पलकों में समाये रखा। तुमसे मिलने के बाद मैं एक बार फिर जाग उठी थी। मेरी आंखों की रोशनी लौटने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन परसों के बाद सुनाई दी थी। मेरा एक कस्टमर था जो शायर था। शायर हमारे ऑब्वियस कस्टमर्स होते हैं। मुझसे पहले वो जिस वैश्या के पास जाता था वो उससे शादी करना चाहता था, मगर उस वैश्या ने मना कर दिया और उसके रीजंस भी बताए। उस शायर ने उस पर एक गजल लिखी। वो गजल सिर्फ उन दोनों की नहीं, हमारी भी है। मेहर उस गजल से जो मैं कहना चाहती हूँ वो कहकर रुकती हूँ। तेरा मेरा शीशे का घर, फिर क्यों दोनों के हाथ में पत्थर। मैं भी सोचूं
तू भी सोच। क्या तुझे मालूम ना था? लहरें आती हैं, जाती हैं, फिर भी क्यों लिखा नाम रेत पर? तू भी सोच, मैं भी सोच। क्यों तेरी बहन बेटी घर घर में और किसी की बाजार में? तू भी सोच, मैं भी सोच। हेलो मिहिर। हाय हाय। हमारा शो तो रियलिटी शो बन गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर मिहिर शांडिल्य खुद चलकर हमारे शो पर आए हैं। मे आई प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले मैं तारा उनके साथी सीईओ मिस्टर नायडू और सारे क्रू मेंबर्स से माफी मांगना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। माफी इसलिए क्योंकि मैं यहां बिना बताए चला आया, और शुक्रिया इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे यहां आने की, यहां तक कि यहां आकर बोलने की भी इजाजत दी। प्लीज बी सीटेड। प्लीज। थैंक यू। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं जूली को जानता हूं, ये बात सच है। इनफैक्ट जूली ने जितनी भी बातें कही उनमें से एक भी बात गलत नहीं है। मैं जूली से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने जूली को अपने परिवार वालों से मिलवाया था, यह भी सच है। दो दिन पहले लंदन में मुझे पता चला कि जूली क्या करती है। मेरा परिवार चाहता था मैं शो को टेलीकास्ट होने से रोक लूं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मुझे जूली पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था वो ये सब सिर्फ पैसे, पब्लिसिटी या ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं करेगी। उसके पास कोई ठोस वजह जरूर होगी, लेकिन मुझे जूली से एक शिकायत है। उसने ये कैसे सोच लिया कि इस तरह खुलेआम अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो मुझसे अलविदा ले लेगी? भाई प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। जूली क्या करती है इसकी असलियत जानने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं उसे अब भी। हालांकि जूली ने अलग होने की बात की, उसने अपने रीजंस भी दिए। मैं दो दिनों से ये सोच रहा हूं कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं शादी करना चाहता हूं। ये पता चलने पर कि वो वैश्या है, क्या सब कुछ बदल जाता है? क्या उससे रिश्ता तोड़कर हम उसे वापस उसी बिजनेस पर बिठा देंगे और बैठ जाएंगे अपने अपने घरों में आराम से? कुछ दिनों के लिए आप सब में चर्चे होंगे कि वाह साहब क्या क्या शौक रहते हैं अमीरों के। फंस गए साहबजादे कुछ करोड़ों के लिए। वैश्या क्या होती है? वैश्या कहां से आती है? इसी समाज में पैदा होती है ना। सदियों से हम ये मानते आए हैं कि अगर समाज में वैश्या नहीं होती तो हमारी बहू बेटियां सलामत नहीं रहती। समाज में बलात्कार बढ़ते, हम सबके घर बर्बाद होते, तो हम सबके घर आबाद रहे, इसलिए हम अपनी बहू बेटियों को वैश्या क्यों नहीं बनाते? जिस तरह से हमारी लड़कियां डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर बनती है, वैश्या क्यों नहीं बनती? वैश्या भी तो समाज की सेवा के लिए चाहते हैं ना। हम हर गली कूचे शहर में ब्रॉथल्स हैं, कॉल गर्ल्स हैं, हम सबके घर आबाद रहे, इसलिए हम कितनी ही लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होने देते हैं। क्यों? क्या वो किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी नहीं होती? मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा वायलेंस, टेररिज्म, किसी लड़की को वैश्या बनाना है।
उसे वैश्य बन के जीने पर वैश्य बन के मरने पर मजबूर करना है। अभी कुछ देर पहले आप में से किसी सज्जन ने शांडिल्य परिवार की तरफ चिंता जताई। मेरा परिवार भी यह सब देख रहा होगा। मैं उनसे आप सबसे पूछता हूँ कि अगर शांडिल्य ग्रुप ऑफ कंपनीज वैश्याओं में काम करने वाली किसी संस्था की मदद करता तो आप सब तालियां बजाते। शांडिल्य ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर वैश्याओं के लिए ग्रुप हेल्थ प्लान लेता है, एड्स प्रिवेंशन के लिए फ्री कॉन्डम्स बांटता है, तो मेहर शांडिल्य का फोटो फ्रंट पेज पर या पेज 3 पर आता है। शांडिल्य ग्रुप अगर वैश्याओं के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलता है तो मेहर शांडिल्य कैन बी द विनर ऑफ मैग्सेसे अवार्ड। कितनी अजीब बात है, हमें हमारे घरों में नहीं मगर हमारी सोसाइटी में वैश्या चाहिए। हम वैश्या को घर में नहीं लेंगे मगर उसके बच्चों को पालने के लिए चैरिटी है। हम बुराइयों को मिठाइयों की तरह निगल लेते हैं लेकिन सच को निगलना बहुत मुश्किल होता है। कड़वा जो रहता है। जूली ने आखिर में जो नज़्म सुनाई मनी मन में उसको जवाब देता रहा लेकिन अब वो जवाब मैं आप सबके सामने देना चाहता हूं। मेरा घर शीशे का है और ना ही हाथ में पत्थर। हमारा प्यार कोई रेत पर लिखा नाम नहीं और ना ही मैं अपनी बहन बेटी को घर में रखकर किसी और की बाजार में देखना चाहता हूँ। मैं जैसे पहले चाहता था वैसे ही आज भी जूली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी और ये सारी दुनिया हमारे साथ होगी। मम्मी चाची दादी आप सब देख रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता आज मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसने शांडिल्य परिवार के नाम पर थप्पड़ लगाया। पापा आज जो डिसीजन मैंने लिया है उसने शांडिल्य परिवार की सोशल कमिटमेंट को किसी और ऊंचाई पर रखा है। मैंने अपने प्यार को कबूल कर उसे बरकरार रखने का डिसीजन लिया है। अब मैं आप सबसे सिर्फ आपके बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स चाहूंगा। भजन सिंह जी आज ना कोई सरकारी गाड़ी ना सिक्योरिटी। अन्ना तुम जैसे लोगों के पास आना हो तो सबसे पहले सरकारी सुविधाएं हटानी पड़ती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ ये अलग बात है कि आप जैसे नेता लोग स्नान पानी से नहीं बल्कि खून से करते हैं। करना पड़ता है अन्ना, सियासत की देवी बलि लिए बिना खुश नहीं होती और फिर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चालाक नेता वही है जो अपने दामन में दाग लगने ना दे। दाग लगेगा भी कैसे भजन सिंह जी, खून चाकू भेजने वाले पे नहीं बल्कि चाकू चलाने वाले के दामन पे लगता है। और इस काम के तुम बेताज बादशाह हो। एक कबूतर उड़ाना है अन्ना, जिसके 50 लाख रुपए एडवांस इस बैग में है
और 50 लाख रुपए काम होने के बाद। भजन सिंह जी, एक कबूतर नहीं बल्कि ये कहो कि किसी बास को उड़ाना है। बहुत समझदार हो गए वरना, लेकिन इस बार किसी पार्टी लीडर को नहीं बल्कि सीएम को उड़ाना है, ताकि उसकी गद्दी पर बैठने का मेरा ख्वाब पूरा हो। समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है, फरिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। वरदान। हाँ साहब। शिवा से कहो कि अन्ना ने उसे याद किया है। बहुत अच्छा था सर। अच्छा। बधाई हो सीएम साहब। बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब, सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद भजन सिंह जी। जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है। हाँ हाँ भजनलाल जी, गर्म है आपके लिए स्पेशल चिल्ड शैंपेन। अच्छा। यस सर। मुबारक हो सीएम साहब। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब, आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही, लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर, आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब, मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान, गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजन लाल जी, ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस भगवान आपकी तमन्ना पूरी करें। सब यस। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर, प्लीज चारों तरफ से घेराबंदी कर लो, यहां से कोई नहीं। चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। Thank you.
दीजिए। मैं जानता हूं आप लोगों में ये गम गुस्सा क्यों है। ये वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। ये तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि तीन गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे, मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना, भजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना सीएम बच गया है और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह। क्या हुआ शिवा, ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छू कर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। तीन गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बंबई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं अजय जाएगा। ये आपके लिए केक है, ले लो बेटा। इसके पैसे नहीं लेंगे हम तुमसे। ये हमारे सुपुत्र हैं रोहित, आज इनका जन्मदिन है। हमने तो कहा था कि बंबई जाकर आराम से मनाएंगे, लेकिन नहीं माने। अब चलती गाड़ी में तो इसी तरह की बर्थडे पार्टी होगी। दे दो बेटा, ये लीजिए। थैंक यू। कुछ भी कहो, चोरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान। काशीपुर से हमारे साथ एक बुजुर्ग साहब चढ़े, बातों बातों में उनके साथ दोस्ती हो गई। पिछले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वापस चढ़े ही नहीं। मालूम हुआ कि श्रीमती जी का पर्स उठाकर ले गए हैं और इन्हें पता तक नहीं चला। अब किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है या कातिल। क्यों बेटा? अंकल, चोली के पीछे वाला गाना बजाओ ना। रोहित बेटा चलो उठो, मेरी बस पर आकर सो जाओ। नहीं मैं सोऊंगा जी। सोने दीजिए इसे यार, वैसे भी मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई तकल्लुफ छोड़ो और ऊपर सो जाओ। ये जरा पकड़ना। रोहित बेटा सर उठाओ, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। दरअसल वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। आपको? मेरा नाम शिवचरण है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ब्रांच।
सही जवाब। बम्बई की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है तू? तानी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने वो किसके पास टाइम है गुरु, अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत पकपक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है जिसके पास बोल बच्चे ने वही तो अमिताभ बच्चे ने। क्या चल, चल सामान उठा। सामान उठाऊ मैं? हरियत आउस तक चल सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। रोक रहे हरिया। आओ गुरु आओ। आओ गुरु कैसा लगा? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो फाइव स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु, गरीब के दिल के माफिक, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद। अरे एक मिनट नहीं सर, ये पागल है, मेंटली है बिल्कुल, इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ। पागल खाना इसको बाहर निकाल दिया साहब, क्या करें, किसी नर्स का कान काट लेता है, डॉक्टर का टाइम लेता है, दवा तो खाता नहीं, दुआ का असर हो नहीं। इसका ठीक तरह से इलाज करा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए। थैंक यू साहब। बाल बाल बच गया भाई। ए भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पर शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुड़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या क्या था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पर हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर है। हाँ। ये देखो ये टोनी हुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला चांद का बंगला। क्यों गुरु कैसा लगा अपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कबूतर का भी दम घुट जाए मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु बम्बई, यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि उनको मालूम है ये भाई, उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब, चार पांच मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कबर बोलेगा। हमारा घर कबर है क्या सिस्टर? आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी के माफिक शुरू हो गया है, आप सुनो तो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा था? क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा, लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही ₹2 वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग, सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना भाग करने का, हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड, रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री, लड़की सिगरेट दारू स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, और अगर ऊंचा आवाज में बात करेगा ना तो उससे हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है, समझ गया ना? तुम समझा के नहीं? समझा। अपना फ्रेंड को समझा दो, परवड़ता है तो ठीक है ना तो जाने को दो। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है गुरु, ये सब आइटम इधर बहन है ना, बाहर तो नहीं ना मेरी जान, ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तेरा दिल बोलेगा साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये, पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार।
ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तो नहीं ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओ, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब, और मुझे बेहूद की बर्दाश्त नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब, मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स, एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबान आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा, अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं, मैं रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं नहीं नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। अवलदार, यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के, खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे कौन है? नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचान, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी इसको क्या हुआ? अरे टोनी तुम ये क्या? सिस्टर आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो ओ, 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 वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके नहा धो ले। मैंने ये क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है। आउच, कुछ करो मैं। बकरी Thank you.
गुड़ की डली संतरे की फली, अरे क्या देखती है अरे, अरे रुक क्यों गई, बजाओ बजाओ बजाओ, अरे अच्छा लगता है। तुम फिर यहाँ आ गए? हाय क्या करूं मेरी जाने जिगर, तेरे संगीत की चाह जो मुझे यहाँ तक खींच लाती है। आज तो मैं भी सितार को बजाऊंगा, जिस पर उंगलियां रखते ही सैकड़ों सुर साथ बज उठते हैं। इन तारों को गलत छूने से उंगलियां कट जाती हैं। जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूँ। बहुत हो गया शास्त्रीय संगीत, अब हम इसे रैप सुनाएंगे। रैप देख कौन आज सारी बस्ती के सामने नंगा नाचना चाहता। अरे भाती के हरण इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूऊंगा, अभी नहीं छूऊंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है,
अरेस्ट हिम। भवानी साहब, मैंने उस लड़की को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना, तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में आ। मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है, हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो नखेलिया बहन, जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई हाथ मारा तूने। भाव भावारी भावारी के भटकोगे। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है, तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। खोल दो इसे। सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। हम अजय की जमानत के लिए आए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अजय बाबू, मेरी बहन की रक्षा करके आपने जो हम पर एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं बुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है, नारी सेवा तो परम धर्म है गुरु का। जी, जी। इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगह है। सुनिए, जरा मेरे साथ अंदर आइए। चलिए। तुम नहीं, उठिए ना। सुधा, तुम भी आओ। आप लोग के साथ चाय पीजिए, मैं भी आया। लो पकड़ो, जल्दी चलो। पता नहीं क्या समझ रखा है इस घर को। हाँ, क्या है, कुछ अलग स्पेशल बना रहे होंगे। ये औरतें जो है ना, हमारे यहाँ बड़े गरीब है पर दिल के बहुत अच्छे। मैं जरा सा बाहर क्या गई कि तुमने गुंडे मवालियों की मेहमानदारी शुरू कर दी। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तो भला आदमी है। अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जैसे वो गुंडा वैसे ये गुंडा। अभी आहिस्ता भी। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं, मुझे किसी का डर है। अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है, कल इसकी वजह से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैठ के चाय पिलाओगे? अरे ये तो छड़ी छड़ांग है, इनका भरोसा कल दूसरी गली नाप लेंगे, लेकिन हमें तो इसी बस्ती में रहना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे भवानी के तो हाथ पैर जोड़कर हम माफी मांग लेंगे, लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहाँ से दफा करो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सब समझा लूंगा। क्या, मैं कहती हूँ अक्ल कब आएगी, तब तक मिट्टी के माधव बने रहोगे तुम? कान खोल के सुन लो, अगर ये गुंडे मवाली Thank you.
साले शरीफ लोग, साले शरीफ लोग जाग रहे हैं अभी तक। मिसेस डेविड की पत्ती कौन है? अजय तुम क्या मैन, तुम दारू पी के आया? इतना रात को कोई शरीफ आदमी ऐसा दारू पी के आता है क्या? हाँ शरीफ, शरीफ कौन है मिसेस डेविड? अपू तो गुंडा है, गुंडा शरीफ लोग उस घर में रहते हैं। आपको यकीन नहीं आता? बताओ। सारा शरीफ लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारी इज्जत। उठो जी, उठो जी। क्या हुआ? देखो वो गुंडा मवाली दारू पी के तमाशा कर रहा है। साला समझता क्या है अपने आप को? क्या है तुम? हम बोलता है तुम ऊपर चलो। चलो हम डेविड, चलो मैं ऊपर चलो। ये लोग हमको घर बुलाकर बेइज्जत किया, गाली दिया साला हम लोगों को। ऊपर में चलो ना मैं। अरे ये तो आप ये लोग छत के नीचे था जो सुन लिया, वरना बताता ये लोग को आप चीज क्या है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अरे जाके समझाओ ना उसे। मैं क्या समझाऊं, सो जा। साला हमको अगर फिर से बेइज्जत किया या गाली दिया ना तो बाप कसम अंगार लगा डालेगा, सारी बस्ती को चढ़ा कर राख कर देगा। तो साला एक शरीफ आदमी नहीं बचेगा इस बस्ती को। नशा उतरा के और पानी मारने को मांगता है? हाँ वो क्या है मिसेस डेविड, शाम को कल बल कुछ नहीं, अब बीच यही टाइम को हमारा घर खाली करो, एक मिनट भी इधर रुकने को नहीं मांगता है। और ये लोग पकड़ो अपना पैसा, तुम क्या समझता है हम पैसे का मोहताज है? अरे वो तो टोनी, वो साला टोनी का बच्चा हमारा हाथ जोड़ा, हमारा पाँव में पड़ा कि इसको इधर में रखो, तब जाके हम तुमको रखा। और तुम साला दारू पी के अक्का बस्ती में बम बम करता है। अरे छोकरी का इज्जत क्या बचा, अक्का बस्ती का इज्जत उतारेगा तुम? ठीक 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 बोला सिस्टर, ठीक बोला तुम। इसको आज का अक्का पेपर में हेडलाइन पड़ा इसका, जे इसने रात को दारू पी के बम किया है। अरे मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी को बस्ती में क्या, बम्बे में नॉन्ट्री कर देना मांगता है। ए तू समझता क्या अपने आप को? है सिस्टर को हैरान कर, अभी मैं इसको सूटकेस सूटकेस पैक करके लाता हूँ और उसको स्टेशन पे छोड़ के आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। मैं नाटक तुम किधर में जाता मैन, ये बाल्टी रखेगा सूटकेस भर के लेके आएगा। साला इडियट, तुम्हारा बाप का राज चलता है, फादर का राज चलता है, जब जिसको मर्जी लेके आएगा, जब जिसको मर्जी लेके जाएगा। हाँ मगर सिस्टर तुमने बोला ना इसको घर में नहीं रखेंगे। बोला तो क्या हुआ, ये ऐसा काम काय को करता है? अरे ये हमको मिसेस डेविड मिसेस डेविड बोलता है, लेकिन हम तो इसको अपना बेटा का माफिक मानता है। और क्या माँ क्या बेटे को गुस्सा नहीं करने को सकता है? मिसेस डेविड बिल्कुल कर सकता है, चाहे तो मार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफी मांग ले तो। मिसेस डेविड आई एम सॉरी। हमको माफी मत मांगो, तुम सुधा को माफी मांगो। मालूम तुम क्या किया, उसका घर पे बॉटल फेंक के मारा, उसको लग जाता तो भी वो बेचारा छोकरी तुमको इधर में छोड़ के गया। चलो अभी जल्दी से हाथ मुंह धो, जल्दी से जाके उसको माफी मांग के आओ, जाओ। गॉड ब्लेस यू। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता, आपकी भाभी की बातें चिंगारियां बनकर मेरे दिमाग में सुलग रही थी। सोचा था शराब से बुझा लूंगा, लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। कल नशे की हालत में गिर गए थे आप। नशा तो एक बहाना था, गिरा मैं कई बार हूं। तो आप संभल जाइए। मेरे संभलने ना संभलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता हो तो? ए मैन, हम तुमको माफी मांगने का वास्ते इधर में भेजा और तुम स्टैचू का माफी खड़ा है? चलो माफी मांगो, कम ऑन। माफी तो ये मांग चुके हैं, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब ये वादा कर लें कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। That is good. बोलो हाथ लगाएंगा? नहीं। ओ, वो एसीपी का आदमी आया था, बोला तुमको घर भेजो, अर्जेंट में काम है। एसीपी साहब, आपको मिलने को कोई भवानी साहब आया है। भवानी?
मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने? ठहरो। हमारी बातें घर की चौखट के बाहर ही हो तो बेहतर है। सुना था दो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, एक अस्पताल का और दूसरा पुलिस का। लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौखट पर लिखा है वेलकम, यानी कि स्वागतम, नमस्ते। इजाजत हो तो मैं अंदर जाऊं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मैं जगपति भवानी, जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का। इस घर में सिर्फ भले लोगों का जिक्र होता है। देखा, भाभी भी नाराज, आप भी दुखी और मैं भी परेशान। और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ उस लड़के अजय की वजह से, जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा। वजह वो लड़का नहीं, तेरे कर्म है भवानी, जो तुझे मेरी चौकट तक खींच लाए हैं। अरे हाँ, रात भर मैं भी यही सोचता रहा कि बदनामी के इस दाग को किस तरह से धोया जाए। और अचानक मुझे यह ख्याल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाग को धो सकता है। और यही सोचकर मैं साबुन नहीं, पूरी वॉशिंग मशीन ही उठा कर ले आया। जी हाँ बडोगलाल जी साहब, ले आओ। चलो उठाओ। चलो यहाँ रख दो, आराम से तुम लोग जाके बाहर बैठो। चलो चलो मैं आता हूँ। इस बक्से में इतने रुपए शिवचरण साहब, कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जिसकी छत से आपका पुलिस स्टेशन, माचिस की डिबिया नजर आएगा। सबसे पहली बात, इस घर में सिगरेट पीना मना है। और दूसरी बात, गंगाबाई। जी साहब। गंगाबाई, ये साहब बक्सा भर के नोट लाए हैं मुझे रिश्वत देने के लिए। तुम इनमें से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो। सोच क्या रही हो? साहब, मैं इस घर में 11 साल से काम करती है। आप पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। कभी कभी मेरे को दो दो महीने के बाद पगार मिलता है, फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी ना साहब। मैं झूठे बर्तन मांझकर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थूकेगी भी नहीं। सुन लिया भवानी, जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बर्तन मांझने वाली का जमीर इतना बुलंद हो, उस ऑफिसर के ईमान की क्या कीमत लगाएगा तू? उठा इस कचरे को और दफा हो जाए यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना पहनने वाले को जला देती है। तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी, क्योंकि इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है। अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीतड़े चीटियां तक नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जा मंदिर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग, क्योंकि मैं तेरी फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेकर जा रहा हूं। गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, तुम्हें 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो। सर वो क्या हुआ कि? देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूं, सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। okay,
जय भवानी। चलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है, खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए बुरी खबर है, एसीपी शिवचरण बच गया। पान सर? नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुनिए, मुंह खोलिए। तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, देखना आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में चंगे भले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ची 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 ची, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूं। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, चलता हूं। मॉर्निंग सर। आओ अजय। सर, मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा, वो यहाँ आया था? हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी। और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा, वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब साहब, ये आपका पान का डब्बा। लिए दो बुरी खबरें हैं भवानी, एक एसीपी साहब बच गए और दूसरी अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब, आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको
जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है मैं? हाँ, तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोक को मारा, उसको मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो मिसेस डेविड, पहले बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है, तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। ए, तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, 2 बार नाश्ता करता होता और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था। इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था, बांगड़ा फ्राई लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तू? तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाहिए। अच्छा आज हम तुमको एक बात बताएंगे कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस के लिए बस पकड़ता होता उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो। लेकिन अपन काय को बोलेंगे, पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम? एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारे बाजू में खड़ा हो गया। हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारे हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन, उसने आगे देखा ना पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो इसका पीछू में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होएगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापर ना बेस्ट है, फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा।
एक मिनट, सुधा कहाँ से आया है? मैं पूछती हूँ कहाँ से आया है? भाभी वो अजय ने। अच्छा, तो अब नौबत तोहफों के लेन देन तक पहुँची है? नहीं भाभी। कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है कलमुही, बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जाके तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून। बेहया निर्लज कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तोहफा उसके मुंह पे मार। क्या इजाजत देता है, क्योंकि जज्बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी। कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुखद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुखद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुखद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे हैं ना इन्हें भी उतार दे, ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मैं तुम, और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो सबका गला घोट देती जन्म चली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। आई क्यों चुप हो जाऊं? मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिस्टर डेविड, और रखो गुंडे
क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट क्या रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या? अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ, थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे? ये सब सुनने से पहले मर के रहेगी। पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना पुस्तली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीबी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीबी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब गा रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, सदा सुखी रहो। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
अरे चाही रे चाही तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा चाही रे चाही ओ चाही चाही रे चाही ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरजी मैं अजय का दोस्त टॉनी अजय कहाँ है वो उड़न छू गया अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है वो गया क्या मतलब वो तो मौके की तलाश में था 1 2 का 4 ए सीधा सीधा बोल कहाँ है अजय हम बताता है ना साहब जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया उनको ब्लेसिंग दिया वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया अरे ओके I'm not eating them. No. I don't. No. I don't want. No, Baba. Dile muna. Beta, samal ke baithna, hum log aa rahe hain. Bye. आँख मारता है कौन कौन वो गाड़ी में देखो ना वो बच्चा इसकी तो ए छुटके मेरी बीवी पे लाइन मारता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था अंकल आंटी बहुत अच्छी है आइसक्रीम की तरह साले आइसक्रीम खाएगा आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था बदमाश रुक लाता हूँ साला दौड़ती बच्चा आइसक्रीम लेकर आ अपना भी ऐसा होगा क्या शर्माती क्या है
भैया आपने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली, आप तो मेरे लिए भगवान। क्या कर रही हो? बहुत एहसान है तुम्हारा भैया। ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है। अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा। भगवान आज मैंने वो काम किया है जिसके लिए मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता। एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे आशीर्वाद देकर आ रहा हूं, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि एक मुजरिम के अंदर इंसान को करवट लेते हुए देखा मैंने। अब उस लड़के अजय को ऐसी शक्ति दे कि वो सच्चाई की डगर पर चल सके। अरे भाई पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा, उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों ने जो हवन किया था आपने। अरे बाप रे, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ। तो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा 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 के यहाँ जो पूजा किया आपने धाबा में। हाँ। है? पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना, बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान है आप। ये देखिए पांच उंगलियां, ये पांच उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे 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 रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। दर्द सर, इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और एक जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आओ। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम, कैसा है तुम? अच्छी हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। हाँ चलो बैठिए सर, यहाँ आ जाइए। लो बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? रुमाल रुमाल है, रुमाल आपके पास? नहीं नहीं, चलो उधर बैठो। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी पंडित जी, शुरू कीजिए। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला स्तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम शनिवे नमः स्वाहा। ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा। ओम गणानन्तः गणपति गुंग वामहे प्रिया। ये क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है, और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है।
मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही यह फैसला किया है। भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाओगे। ना खुद खाता है, ना पीता है, ना औरों को खाने देता है। क्या है? चिल्ला मत, जाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7:11 का पाना दे। हेन का टका सो रहा है। क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई? मिर्गी मिर्गी खोलो, खोलो बोनट, खोलो जल्दी, खोलो बोनट, खोलो फौरन, खोलो जल्दी, खोलो। मुर्गी इंजन का है? तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूँ, इंजन किधर है? अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे। मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए, रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? ओ नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तो इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे, इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज अंग्रेज पीछे रह गए हम लोग। जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्टेड गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडर घाट पे ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर, अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन, और छोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, छोड़ दे। कंटाल गया गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना, छोड़ दे, ये पूरा गैरेज तोड़ दे, तोड़ पानी इंजन दे दे रहे, तोड़ दे तोड़ दे। ओए हाँ, ये रहा इंजन। इंजन इंजन कहाँ से आ भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बापरे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत है, तुम बात करता है। ए टोनी, काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है। हाँ अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे हाँ। सवाल इतने उठता है क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कहोलिक। वर्कहोलिक हाँ। बस अपने गुरु को वर्कहोलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहला मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैं, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो,
हमारा जो डेविड था ना वो भी ऐसे करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और दो चार ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता। ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा दो चार पैर पैतरा मारना ही मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। अरे अजय, तुमको मिलने का वास्ते कोई आया? हम ऊपर में बिठाया उसको, जरा देखो तो कौन है। अच्छा मिसेस डेविड। सुधा जी, हम उसके लिए चाय बिस्कुट बनाया, तुम लेके जाओ। अच्छा। क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे शिवा, आजा। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ, अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अजय। नाम के साथ साथ पेशाबी बदल दिया है मैंने, हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए। चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो, नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाऊँ यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी अलग से, ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को, मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था, अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहां से? अरे दो वक्त जोरू के हाथ का रोटी और चार रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को भूल गया तो? अन्ना को? मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है। यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है, उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है, तू है। उसका सुहाग उजाड़ने वाला तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है शिवा, तू तू तू। पुलिस से क्यों भाग रहा था? पुलिस से क्यों भाग रहा था? पुलिस, पुलिस, पुलिस। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं।
अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुस्वाइयां, आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयां। ए मैं, तुम काहे का वास्ते मुंह लटका के खड़ा है? अरे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गुड न्यूज आज हम तुमको देंगे, तुम फादर बनने वाला है। यस फादर, और हम दादी। अरे हमारा तो दिल करता है कि जोर से नाचेंगा गाएंगा चिल्लाएंगा कि हम दादी बन। मिसेस डेविड, हॉस्पिटल में शोर मचाना मना है। सॉरी सॉरी। कांग्रेचुलेशंस, जश्न तो हम सब मिलकर कल बस्ती में मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। हाथ भी लगाया, खून की बू आती है मुझे तुम्हारे जिस्म से, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। इससे बड़ा अभिशाप और क्या होगा मेरे लिए कि जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा, उसने मेरी मांग भरी। मेरी बदकिस्मती है ये कि एक कातिल के खून का खतरा मेरी कोख में पड़ रहा है। जी तो चाहता है कि जन्म से पहले ही इसे मार डालूं, लेकिन क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी, बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वही तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपनी दुनिया में। देख मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारथी अपने साथ लाया हूँ। देख नहीं, नहीं, नहीं। ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है, और इस दोस्ती का सुझाव दिया है हमारे आदरणीय भजन सिंह जी ने। आप है राजनीति के बेताज बादशाह, सियासत की शतरंज कैरम बोर्ड की तरह खेलते हैं, दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी देर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है उससे भी कम वक्त में ये किसी भी पार्टी का तख्ता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शक्ल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूँ जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझ कर राजनीति के इस धंधे में कदम रखा है मैंने, जानते हो क्यों? क्योंकि नेतागिरी ही एक ऐसा धंधा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनेंस की जरूरत होती है ना क्वालिफिकेशन की, सिर्फ कोयल सी मीठी जुबान और लोमड़ी सा शातिर दिमाग चाहिए। दरअसल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीएम को मारने के लिए, और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए, मगर साला किस्मत का धनी था। बच गया, और मर गया वो जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में, और 28 जनवरी को वापस जा रहा है, यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के, इतनी रकम मिलेगी जिंदगी भर ऐश करोगे ऐश। ये मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। सोच तो क्या रहा है शिवा, तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए
तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना, क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है इसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीति बुद्धि का तेल छिड़क कर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। भाभी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिकर मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना कराज तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। ए, तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तुम्हें भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ। तुम्हारा ये गैरेज अनऑथराइज्ड है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास, ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर, एक दो 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 गुरु, गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपैलिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया, मैंने उनको बहुत समझाया, गिर रहा कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। मेहरबान कदरदान, है कोई माइकल लाल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस पौलाद से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान? मेहरबान कदरदान, जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपए कमाएगा। अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा। हाँ मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आ, आजा। हाँ कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए। मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40 हजार रुपए? इतने पैसे कहां से आएंगे? गुरु क्या? ठीक है, पैसे इसको दे देना। एमेन, तुम कैसा बात करता है? पूरे 40 संगीन ले।
अब अगला राउंड पानी में होगा। मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे? अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिए आपने पैसे? जी आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा ये कैसा बात करता है मैंने, तुम पैसा तुमने दिया अजय ने दिया एक ही बात है ना? नहीं मिस्टर डेविड, बहुत फर्क है। क्या? इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है हा? अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाज करना मांगता, लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस्टर डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ खून तो जरूर बहा है, तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है? हम बताएगा तुमको, बताएंगा कि किसका खून बहा है। चलो हटो बहन, देखो अपना आंखी से देखो कि किसका खून बहाता है। एहसान क्या समझते हो तुम, चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग धुल जाएंगे? उसने इन हाथों से, और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण
भी मैं ही हूं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है, आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, और तूने व्रत नहीं रखा? आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ तो मेरा व्रत भी अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाती मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो? तुम्हारा धर्म में तो पति को भगवान मानता है। और आज भगवान 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 जिसे आप लोग अपनी पलकों में सजाए बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं है। खिलवाड़ हुआ है मेरे साथ, खिलवाड़। चुटकी भर सिंदूर की जगह पाप के अंगारे और मंगलसूत्र की जगह अपने गुनाहों की रस्सी लपेट दी है उसने। हे कुनी, हे कातिले, मांग भरी है मेरी। और अब कहते हैं इसे आदमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं मैं? अरे इससे तो अच्छा कि मैं अपना आपका गला घोट। नहीं सुधा, कह दे कि ये सब झूठ है। यही सच है भाभी। न जाने कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हैं उसके। और तो और भाभी, रवि का भी खून उसी ने किया। सुधा, हम तुम्हारा तकलीफ को समझता, क्योंकि हम भी ऐसा पेन से गुजरा। तुमको क्या लगता हम रात दिन डेविड डेविड काहे को करता? क्योंकि आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता कि हमारा डेविड का खून का जिम्मेदार हम है। हम उसको बहुत प्यार करता था। शादी के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि हमारा डेविड एक क्रिमिनल था, वो जेल जा चुका था, बस हमारा प्यार नफरत में बदल गया। उसने हमको बहुत समझाया कि देखो हम ये रास्ता छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं करता है। लेकिन हम उसके बाद का भरोसा इच नहीं किया। ऐसे इच, बिल्कुल ऐसे इच नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुम अजय से करता। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालूम? हमारा डेविड ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया हमारा डेविड ने, खाली हमको बताने का वास्ते कि अब उसने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया है। तब जाके हमको अक्कल आया कि एक आदमी अखंड दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक औरत का नफरत का आगे हार जाता है। नो बेबी नो, तुम हमारा माफी गलती मत करना। आज अजय को तुम्हारा प्यार तुम्हारा सहारे का जरूरत है। अगर तुमने उसको ठुकरा दिया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा लाइफ में भी कुछ नहीं बचेगा। मान जाओ सुधा, अपना पति का वास्ते ना सही, उस मोटर मैकेनिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो जो तुम्हारा होने वाले बच्चे का बाप है। ठीक तो है ना?
डेविड। सुधा को भवानी का भाई उठा के ले गया, उसका जान खतरे में, तुम उसको बचाओ, हमारा फिक्र मत करो, ये सब है ना तुम। वाकई आपकी राजनीति बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। शिवा आगे नहीं जाना, इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहे तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर।
सीएम साहब, सीएम साहब, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा लिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं। जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया, भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही हैं। बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं। गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, अजय। सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Oh,
बचकर नहीं जा सकते भवानी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मुख्यमंत्री साहब की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजय उर्फ शिवा को कम से कम सजा देने का फैसला किया है।